आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। प्रोफेसर वसीम बरेलवी कहते हैं कि खुले थे शहर में 100 दर, मगर एक हद के अंदर ही मैं कहाँ जाता अगर लौट कर अपने घर नहीं आता। तो हफ्ते भर का काम कर लिया, दफ्तर का भी घर का भी, बेबाक बुधवार भी कर लिया, दिन भर और आज का दिन भी कर लिया। तमाम हफ्ते की हड़बड़ी भरी यात्रा करने के बाद अपन लौट आए हैं अपने घर, जहाँ ताऊ हैं, बाबा हैं, और जहाँ दरवाजे पर तिरछी टंगी हुई एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है तीन ताल। 38वां एपिसोड है ये। कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार की तरफ से आप सभी को जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो पिछले बेबाक बुधवार के बाबा कोई भूत पिशाच निकट तो नहीं आए? नहीं, एकदम नहीं आए। बल्कि मुझे बाद में कई कहानियां याद आईं, लेकिन क्योंकि मंसूबा अपना ये होता है बेबाक बुधवार में कि और लोगों के किस्से सुने जाएं। वो रोचक थे किस्से, खास करके वो एक जो दूरबीन वाला उन्होंने व्याख्यान दिया था। कैसे एकदम मतलब गजराज राव वाली स्थिति हो गई थी उनके साथ कि ये भूत है कि भविष्य है। बिल्कुल, क्या पता सच में कुछ रहा हो और क्या पता वो बनाया गया बिंब हो, किसी ने डराया हो उनको। लेकिन सबसे खतरनाक जो था वो ये था कि बस जहाँ पे आप कह बैठे कि अब इसी पल अगर लाइट चली जाए, जब पता चला कि मामा नहीं रहे। हाँ, वो था। और चाय पे चर्चा हुई और कल से बारिश दिल्ली में आई है तो आज चाय अच्छी लग रही है। और अभी चाय पीते हुए और एक कल्ले में मसाला दबाए हुए तंदूरी चाय को गरियाते हुए तो ये है। अच्छा, चिट्ठियां वैसे तीन ताल पे तो बहुत आती रहती हैं। अब कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि बेबाक बुधवार पे भी रिस्पॉन्सेस आते हैं, मतलब ट्विटर पे, और कल ईमेल पर भी आया। अर्पणा चंदेल जो कि इस डिस्कशन में शामिल भी थी, हमारी लिसनर, वो जम्मू के डोडा ज़िले के गांव में रहती हैं, तो उन्होंने ये 3-4 लाइन लिख के भेजी हैं बेबाक बुधवार पे। तो उन्होंने लिखा है कि सबको नमस्ते, और पिछले मेल में चाय को लेकर कुछ बातें लिखी थी, बेबाक बुधवार में भी इस पर बात हुई, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात कहना छूट गया। दरअसल नून चाय हमारे लिए लग्जरी नहीं है, ये सामान्य मानविकी की चाय है। ये शब्द इन्होंने बाबा आपसे सीखा है? नहीं, सीखा किसी और से है, वाया बाबा। उन्होंने आगे लिखा है कि ये गरीबों की चाय है। कश्मीर घाटी का मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे पहाड़ों में अथाह गरीबी थी, तो उस समय गेहूं चावल भी खाने को नहीं मिलता था। जौ की रोटी या फिर जौ के सूखे भटूरे और मक्के की रोटी खाई जाती थी। सब्जी और दालों की भी कमी थी, तो नाश्ते में नून चाय में भिगोकर रोटी खाई जाती थी। चाय में नमक डालने का चलन भी शायद इसीलिए शुरू हुआ हो क्योंकि चीनी महंगी थी। यहाँ भोजन की इतनी भयंकर कमी थी कि लोक कथाओं में अनाज के लिए मानव बलि तक का जिक्र है। सादर, अर्पणा। ये इन्होंने बढ़िया जानकारी दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें रही हैं। और मानव बलि की कहानियां मैंने पहाड़ों पे सूखे के संदर्भ से भी सुनी है। जब फसलें नष्ट हो गई लगातार 2-3 बार, तो उसके बाद में उस तरह की बलि भी दी गई। हालांकि मेरा अभी भी पूरा मानना है कि गांव के देवताओं की जो पूरी कॉन्स्पिरेसी वहाँ पे चलती है, उसमें जिस एक को रास्ते से हटाना हो गांव में, उसी की बलि मांग लो। तो ये है। मुझे लगता है कि अर्पणा ने सीरियसली ले लिया ताऊ के मजाक को। ताऊ व्यंगार्थ नून चाय की रैगिंग कर रहे थे और उनको लगा कि सही में उसकी आलोचना कर रहे हैं। और बुधवार वैसे रैगिंग के लिए ही होता है। बेबाक बुधवार की एक जो है खासियत है कि उसमें आप किसी चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो वो एक पर्पस ये था कि नून और चाय, इनका जो विभेद है हमारे दिमाग में, उसको थोड़ा सा ऊपर लाया जाए। खैर, अर्पणा जी ऑब्वियसली माइंड नहीं किया होगा उन्होंने, पर उन्होंने स्पष्टीकरण अच्छा दिया है। और कहते हैं, दुष्यंत कुमार ने भी कहा कि हो गई है पीड़ पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। पीड़ जो है ना, वो पहाड़ के जैसा ही होता है। दुख का पहाड़ टूट पड़ता है आदमी पे। पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा होता है। पहाड़ वो पेड़ का होता है, बहुत कष्ट है वहां पे रहने में, और वो उन लोगों को सलाम। हम लोग तो कभी कभी जाते हैं टूरिस्ट बन के, पर इतना देखना कि हमारे लिए बहुत सुविधाएं होती हैं, पर जो गांव है वहाँ जो ऊपर है पहाड़ों में, वहाँ पे पानी का कष्ट है। आपको लगता है कि बहुत पानी होगा, सीधा झरने से पानी पीते हैं, बटोरते हैं लोग। और पहाड़ में खाना, पहाड़ में सब्जियां, पहाड़ में दाल, पहाड़ में सब कुछ पीठ पर ढोकर ले जाना पड़ता है। तो नून मिले या कुछ भी मिले, आदमी पहाड़ में सुखी रहता है ना। बिल्कुल। और चीनी की उपलब्धता तो मतलब पहाड़ों पे भी कम थी। चीनी पिछले 30-40 साल में चलन में बहुत तेजी से आई है, वरना चीनी की उपलब्धता इतनी नहीं थी। और बाकायदा शादियों के लिए लोग 3 महीने पहले से चीनी बटोरना शुरू कर देते थे। तो हमको याद है गांव में चीनी के बोरे इकट्ठा करके भरे हुए, और वो घर में रख लिए आते थे कि शादी आने वाली है घर में, तो चीनी का इंतजाम कर लिया जाए, क्योंकि इस हालत में चीनी मिलेगी नहीं। चीनी की क्राइसिस आती थी, कई बार चीनी बाहर से, विदेशों से भी मंगाई जाती थी। चीनी जो है ना वो कंट्रोल्ड राशन होता था ना। बिल्कुल, उसका भाग था किरासन तेल, चीनी। बिल्कुल, लोग अब नहीं जानते हैं, लेकिन केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल जिसे हम लोग कहते हैं, या घासलेट कहते हैं इधर मुंबई का लोग, तो वो केरोसिन और चीनी, ये जो कंट्रोल उसको कहते थे कि कंट्रोल की दुकान से कंट्रोल खुली है कि बंद है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो दुकानें होती थी उनको कंट्रोल कहा जाता था, और कंट्रोल पे लाइन लगा के चीनी ली जाती थी। हर राशन कार्ड पे 5 किलो चीनी मिलती थी। अरे कभी कभी वो जो है वो उससे भी कम हो जाती थी, 5 किलो से भी कम हो जाती थी। वो घर आके हमेशा 4.5 निकलती थी। हाँ, और गांव में किसी लड़की की शादी हो तो हर आदमी अपने अपने कार्ड पर, अपने अपने नाम पर चीनी खरीदता था, फिर जिसके घर में शादी होती थी वहां जमा कर देता था, ताकि शादी में के फंक्शन में चीनी की कमी ना हो। तो कंट्रोल का जीवन तो भी भारत के बहुत सारे लोगों ने जिया ही नहीं है, वो तो पैदा उनको पता ही नहीं है तो उस दुकान के सामने, और उसके साथ साथ कलेक्ट्रेट में हुआ करती थी सरकारी छूट वाली दुकान, जहां से लाइफ बॉय, ओके का साबुन, काका का साबुन, और सरसों का तेल, नारियल का तेल, डाबर आंवला, कियो कार्पिन, चेरी की चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश, बंगाल केमिकल की फिनाइल, ऐसी तमाम सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे मिला करती थी। और सर्फ, पहले सर्फ एक्सल नहीं था और रिन से उसका ब्याह नहीं हुआ था। रिन अलग कंपनी थी, सर्फ अलग कंपनी थी। तो सर्फ एक चौकोर डिब्बे में आता था और कहा उसको निरमाई जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी। डालडा मिलता था इस सरकारी दुकान पे 15% छूट पे। तो लोग लगन वगैरह के टाइम में रथ के 10-10 किलो वाले पीपे वहां से उठा लिया करते थे। रथ याद है मुझे उसका। हाँ। नीले रंग का उसका वो था। हाँ, फिर बाद में हर डालडा जो है वो खजूरा छाप हो गया। अब देखिए, मैं बात डालडे की कर रहा हूँ, ब्रांड बता रहा हूँ, रथ, यही हुआ है। और कोलगेट का पाउडर खूब मिलता था। चीनी वैसे पहाड़ों पे अब पर्याप्त हो गई है, LAC की तरफ निकल जाए अगर आप। हाँ, अब तो बहुत चीनी है, और एकदम चीनी सीमा जो है एकदम लगी हुई है। खैर, तो ताऊ, इस हफ्ते आपने क्या नया देखा, क्या नया म्यूजिक सुना, या क्या नया पढ़ा? हमने रे देखने की कोशिश की, सत्यजीत रे की महानता और उनको रीइमेजिन करने की जो जोखिम कोशिश की है, जोखिम उठाया है कुछ लोगों ने। तो मैंने देखा 4 भाग में है, मतलब 4 अलग-अलग कृतियां हैं उसमें। एक ही मैं देख पाया पूरा, वो गजराज राव के आकर्षण में उनका जो अभिनय है वो देखने लगा, और फिर लगा कि नहीं, इसको मैं देख सकता हूँ पूरा। बाकी मुझे ना रे जैसा कुछ दिखा नहीं किसी में। थोड़ा थोड़ा, जैसे वासन वाला ने बहुत रीइमेजिन किया, मुझे अच्छा लगा वो, कि उसने बहुत रीइमेजिन किया है उसको, सब कुछ को बदल के, पर रे की आत्मा भी रहनी चाहिए, है ना। तो बहरूपिया भी मैंने थोड़ी दूर तक देखा, पर वो जब ये लगा कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं मतलब सृजित मुखर्जी, जो कि नई सिनेमा के एक तरह से निकले की प्रतिभा है बंगाल में, मैंने उनसे बहुत अपेक्षा की थी, पर थोड़ा गुड़गोबर हो गया आदमी को ना। रीइमेजिनेशन दो तरह की होती है, एक होता है कि आपने कथा की आत्मकथा के मूल को से छेड़छाड़ नहीं की और बाकी सब कुछ बदल दिया, कॉन्टेक्स्ट बदल दिया सारा। एक होता है आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं बदला और कथा को थोड़ा सा चेंज किया कि मैं अपनी तरह से इसको देखता हूं तो मैं इसका नहीं, वो सब थोड़ा सा बिखर सा गया सब में। मुझे शैली अभिषेक चौबे की अच्छी लगी, हंगामा है क्यों बरपा जो उसमें तीसरे नंबर की है उसकी शैली अच्छी लगी। कुछ उन्होंने जो थिएटर की के एलिमेंट्स हैं वो किए कि जैसे ट्रेन में, ट्रेन के गेट पे खड़ा होके वो मनोज वाजपेयी कुछ गा रहे हैं और सामने ऑडियंस है, तो आपको वो लगने लगता है कि ये आदमी अपने आप को ट्रेन में ही ऑडियंस के साथ इमेजिन करता है। उसमें मतलब कोई थिएटर में एक डायरेक्टनेस होती है ना अवेलेबल जो, और जो प्रोसेस था जिसमें मनोज वाजपेयी यानी कि मुसाफिर अली के गजल गायक बनने का जो प्रोसेस उन्होंने दिखाया, मुझे वो बहुत क्रिएटिवली किया हुआ लगा कि वो पहले दोस्तों के बीच आदाब करते हुए पैनी मूछों के साथ आते हैं, शेव बना रखी है और कैसे सदरी उनको पहना दी जाती है, अच्छी गजल सुनाने के बाद शॉल वो डाले हुए हैं, और उसके बाद में उस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में महफिल और बड़ी हुई है, फिर बालकनी से महफिल और बड़ी है और फिर नीचे जाके महफिल और बड़ी है। तो कैसे कायांतरण होता जाता है, वो जो पूरी प्रक्रिया होती है, कैसे उन्होंने उस एक मिनट के पूरे सीक्वेंस में एक गजलकार का बेसिक से मशहूर होने तक का पूरा सिलसिला बरत दिया। ऐसा तो लगा कि वो वन गो शूट है ना, ऐसा लगा बिना आखिर तक। बिल्कुल बिल्कुल, वो कंटिन्यूएशन जैसा लगा कि ये कंटिन्यू कर रहा है, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो कट करके और एडिट करके जोड़े हुए चीजें लग रही हैं। हालांकि उसमें बिल्कुल रिटेक हुआ होगा, लेकिन वो इतना ऑब्वियस है मूव करना कि बहुत सुंदर से तरीके से उसको एडिट भी किया है और बहुत सुंदर तरीके से उसको इमेजिन भी किया है। और पहला मुझे कमजोर लगा, चौथा मुझे वाहियात लगा दीदी के दरबार में, लेकिन दूसरे में मुझे मेनन क्योंकि पसंद है, मेरी व्यक्तिगत पसंद रहे हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से मुझे ठीक लग गया हो। लेकिन अच्छा, बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छी एक्टिंग की। चारों में से अच्छा तो एक भी नहीं लगा मुझे, लेकिन ये दो काबिले बर्दाश्त जिन्हें कहें तो वो दूसरा और तीसरा, बहरूपिया। और बिल्कुल कह रहे हैं ताऊ, एकदम सही बात की श्रीजित से जो अपेक्षाएं थी उसी के लिए उसको देखने का जोखिम भी उठाया गया। मनोज वाजपेयी मुझे थोड़े से ऐसे लगे जैसे आम की उम्मीद में आप जाएं और एक ऐसा आम उठा के आप ले आए जिसकी ना चटनी बन सकती है और ना ही वो पका हुआ मीठा आम है, खट्टे थे। माफी के साथ बाबा मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ, मनोज वाजपेयी इस रोल में फिट नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण था कि उनका एक अभिनेता का रेंज बहुत है उनका, है ना, पर इस रोल में वो फिट नहीं थे। उसका कारण यह था कि इवन जो पहले मुसाफिर अली बनने के पहले जो आदमी थे उसमें भी वो नेचुरल नहीं लग रहे थे, हालांकि अभिनय उनका जबरदस्त रहा। और मुसाफिर अली वाला जो गेटअप आया उसके बाद भी गाते हुए ना, गुलाम अली देखो, एक उन्होंने अच्छा ट्रोप यूज किया कि गुलाम अली की एक गजल को आधार बनाया, पर गुलाम अली को हमने बहुत देखा हुआ है, बहुत ज्यादा देखा हुआ है ना, तो गुलाम अली की आवाज उनकी शैली बिल्कुल उसमें मैच नहीं कर पाई। शायद उसमें हमको एक बहुत बड़ा डिसोनेंस लगा। हाँ, और इतना सूखा हुआ गजल गायक कोई हम लोग की जानकारी में रहा भी नहीं है। आप अजीज मियाँ को देखिए, उनकी गर्दन ही नहीं पता चलती थी। नुसरत फतेह अली खां को याद कीजिए, बड़े गुलाम अली साहब को याद कीजिए, ये लोग मतलब बैलगाड़ी में एक आने वाले जैसे लोग थे। उसके बाद के भी जो रहे, तो मेहदी हसन साहब भी जबर शरीर के रहे, जगजीत सिंह के भी गाल भरे हुए थे, गुलाम अली साहब भी बढ़िया गाल और सुनहरे फ्रेम की वजह से ही जाने जाते रहे, एकदम बढ़िया चमका हुआ लेदर फिटकरी मारा हुआ उनका चमकता था फ्लैश पे। अब मनोज वाजपेयी पिछले कुछ वर्षों से मुझे सूखाग्रस्त लगने लगे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इनको बैठा के हफ्ते 10 दिन भोजन कराया जाए कि भैया तू भूखल हुआ कई दिन से, तू खा पहले मन भर, खा असुत। तो वो जो मामला है मनोज वाजपेयी के साथ में, डांगर टाइप एकदम हो गए हैं, इस वजह से भी वो गजलकार नहीं लगे। ठीक है, कलाकार हमारे यहाँ गाने वाला और मजदूर दोनों की चेचिस में फर्क होता है। मनोज वाजपेयी को देख के लगी नहीं, अब मनोज तिवारी को ही देख लीजिए, है ना। फूल के लौंदा है, सबसे सड़ीले गायकों में हैं, लेकिन फूल के लौंदा हैं, गोलगप्पे की तरह लगते हैं, मुंह खोलते हैं लगता है कि गोलगप्पे में किसी ने नाखून मार दिया, अंगूठा मार दिया है मटर भरने के लिए, तो ना बीयर पी के नाचे लगलू ठमक ठमक ठम। तो ये लगा कि किसी मजदूर को जो है ना गजलकार घोषित कर दिया गया। और जब वो जैसे तान उठाने के लिए आदमी हाथ आगे बढ़ाता है ना, तो उसमें लगता था कि वो शेर पढ़ेंगे गाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी गर्दन और उनका चेहरा पढ़ने वाली मुद्रा में हो जाता था, गाने वाली में नहीं। बिल्कुल, मुझे पता नहीं क्यों एक कलाकार बहुत जमाने बाद ताऊ याद आया कि मनोज वाजपेयी की जगह अगर इस तीसरे भाग में रे के गोविंदा होते तो वो इसको बहुत अच्छे से बरत ले जाते। हाँ, वो या कमल हासन होते तो वो उसको बहुत अच्छे से बरत ले जाते, लेकिन गोविंदा तो बहुत ही जस्ता, क्योंकि गोविंदा को वो गाने के साथ में जो होठों की और गालों की और आंखों की हरकत और थिरकन है, उसको बरत पाने का शऊर जो है वो गोविंदा को है, कम से कम। शायद इसलिए कि वो बनारस में अपने ननिहाल में खेले कूदे पले बढ़े हैं। रे को देख के कुलदीप मुझे एक ही लाइन ध्यान आई, चौथा एपिसोड जब मैंने देख के वो खत्म हुआ और मैंने टीवी बंद किया तो अनायास ही मेरे मुंह से निकला, का रे ये क्या बनाया हो। और एक बात और है, उन्होंने किसी सत्यजीत रे की बनाई हुई कृति को रीइमेजिन करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उनकी शॉर्ट स्टोरीज को चुना और उस पे बनाई। अगर वो मतलब उनके किसी बनाई हुई फिल्म को रीइमेजिन करते तो शायद और भी मजा आ सकता था या बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हाँ, दुर्घटना की गुंजाइश ज्यादा थी उसमें, आशंका, और इसी वजह से शायद उन्होंने कहानी तक ही अपने आप को सीमित रखा। और इसके लिए मैं उनको बहुत श्रद्धा से नमन करता हूं कि बहुत अच्छा हुआ आपने केवल कहानी ही पढ़ी। आप कहीं कोई फिल्म उठा लेते तो लोग चौराहों पे आपके पोस्टर लगा चुके होते अब तक, जो सत्यजीत रे को पसंद करने वाले हैं। चारों स्लो भी हैं। अब कुलदीप सोच रहे हैं कि मैं कैसे तीन ताल शुरू करूं आज का, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तो शुरू हो चुका है। हाँ। एक टॉपिक पे डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है। हाँ, वो रे से एक किस्सा और याद आ गया ना। मैं दरअसल ये जो दुर्घटना वाली बात कर रहे हैं, वो आपने बोला कि क्या बना दिए हो रे। गाँव एक बार मैं गर्मी की छुट्टियों में जाता था, तो रात में हम लोग पान लेके आए थे और खाना भोजन करके रात में एक कोठरी थी जिसमें हम लोग सब भाई लोग थे सब, और हम लोगों ने सोचा आप पान खाया जाए, तो पान खाया सबने। और बाकी लोगों को मालूम था, मुझे नहीं मालूम था कि जो खिड़की है कोठरी की, कमरे की, उसके जस्ट नीचे बाहर की तरफ छोटके नाना तख्त बिछा के मच्छरदानी लगा के रोज सोते हैं। मुझे नहीं मालूम था, तो हमने खिड़की से ऐसे निकाल के पुच्छ जैसे ही मारा तो उधर से जो आवाज आई, और वो डायलॉग, वो संवाद अभी तक मेरे साथ है, उसको जब तक मैं इस्तेमाल किया करता हूँ। उन्होंने कहा कवन आए रे। कभी कभी मेरे घर की अचानक डोरबेल बजती है तो मेरे मुंह से निकलता है कवन आए रे। तो रे के बहाने, और उसमें ये जो हंगामा क्यों है बरपा, और अभी तक हमने उसका जिक्र नहीं किया। ये कहानी दरअसल क्लेप्टोमेनिया पर है, और उसमें जो किरदार है एक हकीम साहब का, रघुवीर यादव ने वो निभाया है, वो उसको किले पेटो मानिया कहते हैं कि जबान लड़खड़ा जाती है इसको कहने में। एक किस्म की साइकोलॉजिकल समस्या है ये, जिसमें हाँ, और उन्होंने जब समझाया तो यूं लगा कि कोई अरबी की बात समझा रहे हैं या फारसी का कोई शब्द है, और उसको किले पेटो मानिया या हाँ, मानिया, तो एकदम लगा कि ये जामिया मिलिया इस्लामिया से निकला हुआ मानिया है। अच्छा, ये याद आया, रघुवीर यादव और जो बहरूपिया में तांत्रिक बना है, वो बहुत, दोनों लोगों ने बहुत छोटे लेकिन बहुत ही मजबूत प्रेजेंस अपने हाँ, रघुवीर बहुत ही फिट लगे हैं छोटे से रोल में। तो क्लेप्टोमेनिया में ये होता है कि इंसान चोरी किए बिना रह नहीं पाता, तो अपन लोगों ने सोचा कि आज चोरी पे ही बात करेंगे। क्या कोई है इस दुनिया में जो कह सकता है कि उसने कभी चोरी नहीं की? तो चोरी के और चोरों के किस्से होंगे, और किसकी चोरी माफ होनी चाहिए इस पे बात करेंगे। चोरी का माल चोरी में क्यों जाता है, ऐसी कहावतों की जड़ खोदेंगे, और उसके बाद संक्षिप्त बातचीत नींद पर करनी है, कितनी देर सोएं, कब ना सोएं, सब जानते हैं वैसे इन बातों को, लेकिन बाबा और ताऊ बताएंगे तो थोड़े और। केवल एक आदमी है जिसने चोरी नहीं की है, वो गुलाम अली है। डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, है ना। वरना चोरी पे मुझे लगता है बॉलीवुड में पेल के गाने लिखे गए हैं और बने हैं। वो आना है उस पे, साहित्यिक चोरी, गीतों की चोरी, सब पे बात होंगी। किताबों की चोरी हम सभी भुक्तभोगी हैं। लेकिन नींद पे जब करेंगे तो दिन की नींद पे थोड़े मेरे सवाल हैं बाबा ताऊ से कि दिन की नींद को लेकर के वो लोग क्या सोचते हैं। दो जमातें होती हैं, एक जागते हुए सोने वाले और दूसरे सोने के बावजूद जागृत से दिखने वाले, इस पर बात करेंगे। और आखिर में एक चिट्ठी है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ़ बिहार के बक्सर से, और न्योता वाले श्रोता में रोहित ओझा ने आज चिट्ठी भेजी है, वो होगी। और बेजार खबरें तो बीच में आती रहेंगी। तो अब चोरी पे आ जाते हैं। अब आपने कहानी तो बताई दी है, मतलब एक मोटा मोटी हमने एक रेफरेंस तो बताई दिया है कि क्यों इस पर हम बात कर रहे हैं। पर ताऊ, आपका चोरी से पहला वास्ता दोनों ही तरह का अगर तजुर्बा हुआ हो तो बताइए कि जब आपने किसी का कुछ चुराया हो बचपन में, अतीत में या कभी भी, और या फिर आपकी कोई प्यारी चीज चोरी चली गई हो। मेरी जो चोरी की घटनाएं हैं वो तो सबसे पहली है कि आम के टिकोले। जब आम छोटा होता है जो पका नहीं होता तो उसमें खट्टापन होता है, पर कुछ आम ऐसे होते हैं जिनमें ना एक अजीब सा मीठापन भी होता है जब वो टिकोले होते हैं, कच्चे होते हैं। तो एक ऐसा आम का पेड़ था जो हमारा नहीं था, है ना। तो अपन लगे रहते थे कि उसको वहीं पर निपटाया जाए। कैसे निपटा, हाथ में वो शेविंग वाला जो ब्लेड होता था ना, वो एक रख लेते थे और फिर पत्थर मारकर, दो भाई लगने पड़ते थे उसमें। तो नदी में जाते हुए, बाय द वे, हाथ में पत्थर लेकर और नदी में चल रहे हैं और एक पत्थर मारकर छोड़ दिया दूर से, ठीक है। तो आम गिरकर नदी में चलने लगता था और आगे एक बंदा रहता था, एक भाई आगे रहते थे उसको समेटने के लिए। तो वो जो भाई साहब थे उन्होंने देखा कि यार कुछ नहीं होने वाला इनका, उन्होंने शिकायत कर दी, थोड़ी सी पड़ी भी घर में कि क्यों दूसरे के आमों पर नजर रखते हो। पर पता नहीं हमें ये खुन्नस थी, और जब उसने शिकायत कर दी उसके बाद तो हमने और भी खराब रूप ले लिया। हमने तरह तरह के तरीके आजमाने शुरू किए कि उसके आम को, तो और बेचारे का आम पक नहीं पाता था, इतना मीठा होता था कच्चे में ही। और उन्होंने एक दवा लगवाई, है ना, एक दवा लगवाई आम में, मेरे हिसाब से वो कीड़ों को मारने वाली होती है ना, हाँ, वो दवा उसका छिड़काव करवा दिया और बोला कि हमने जहर लगा दिया है, अब जो खाएगा वो मर जाएगा। तो हम उसको ब्लेड से छील के, कि यार जहर लगाया तो ऊपर लगाया हम। हम उसको ब्लेड से छील कर खा लेते थे। वो मेरी चोरी की, मतलब खुद से चोरी करने का अनुभव था। एक अनुभव ये था कि वो अपन घर का ही मामला था। किसी के हेडफोन पे नजर थी, ईयरफोन पे। ईयरफोन उस समय बहुत रेयर होता था, है ना। एक ही था, एक साइड वाला था, स्टीरियो का जमाना नहीं था, एक साइड वाला था। तो अपन उस पर नजर रखते थे, अपन ने उसका कुछ उपयोग नहीं किया, ठीक है, पर वो घर की ही बात थी, एक भाई की थी। तो उसको हमने उठाया, मौका देखते ही, जब कोई नहीं देख रहा था तभी उसको उठाया, उसको ले गए और उसको खोल डाला। उसमें से निकला एक चुंबक, अंदर होता ना गोल वाला, छोटा सा गोल वाला चुंबक निकला। उस चुंबक को अपने साथ रखा हमने। वो चुंबक जो है उसके बाद अपन इधर उधर चिपकाने लगे। कोई भी चीज के वहां चिपकाया कि मेरे पास चुंबक है। बहुत छोटे थे, उतना ख्याल नहीं। तो फिर उन्होंने पता नहीं कैसे करके उस चुंबक से उन्होंने ये पता कर लिया कि मैंने लिया होगा। तो मुझे फिर डांट पड़ी, फिर मार पड़ी, फिर उनको भी दुख हुआ। उसने बोला कि तुझे चाहिए था तो तू मांग लेता मुझसे। पर तब ये बचपन की चोरियां ऐसी होती थी, बिल्कुल। उसके बाद अपन हॉस्टल में रहते थे। तो हम नाश्ता जो है उसमें मैं विक्टिम था। मेरी माँ ना वो बना के देती थी, वो ठेकुआ, माठ, ये सब बहुत कुछ रहता था मेरे पास। और मेरा एक जो बक्सा था उस पर भी लोगों की नजर रहती थी, मेरे बक्से पर। तो वो सब आता था। जैसे मेरा मित्र है प्रभात, तो मैं कुछ लोगों से शेयर करता था। जैसे प्रभात में आलोक एक दोस्त था, वो हम लोग शेयर करते थे। तो रहता था कि नहीं तुम्हारा माल मेरा माल एक ही है, लेकिन बाकी लोगों की भी नजर रहती थी। उसमें से एक बहुत महानुभाव थे, वो पता नहीं कौन से कैसे ताला लगा हुआ था, ताला खोल लेते थे और यार गायब कर देते थे मेरा माल, और पूरे हॉस्टल में चर्चा होती थी कि इसने निकाला है अब क्या करें। वो बलशाली भी था, ठीक है, मतलब बुली था, तो उससे लड़ते भी नहीं थे, पर ये पता रहता था कि इसी ने निकाला। इस तरह की छोटी छोटी चोरियां। पर जब बड़े हो गए तो मैं मेरे मतलब जान पहचान के मित्र थे, उन्होंने कभी नाइंसाफी नहीं की, पर मैं श्योर हूं कि उनको क्लेपटोमेनिया था, हाँ, उनको क्लेप्टोमेनिया था, क्योंकि वो कभी कभी बोलते थे चल आज पिक्चर दिखाता हूँ, और पिक्चर गए तो वहां पे कोक भी पिलाया। फिर बाद में पता चलता था कि आप ही के माल से सब कुछ किया जा रहा है। तो वह यह इंश्योर कर देते थे कि अगर आपका माल उड़ाया गया है तो आप पे खर्च, हाँ, आप पे भी थोड़ा खर्च हो जाए और दो चार और लोगों पे भी हो जाए सामूहिक रूप से। वो बहुत इस फिल्म में दिखाया, और मुझे उनकी याद आ गई जब मनोज वाजपेयी के बचपन का दृश्य दिखा रहे हैं कि वो किसी दुकान पे काउंटर जाते थे, उसके सामने जो बयाम होता था जिसमें कि बहुत तरह तरह की रंगीन चीजें रखी होती थी, उसका काम होता था उस बयाम पे हाथ रखता था और उसके बाद कुछ मांगता था पीछे वाली चीज देखकर कि वो देना, वो नीचे जो पड़ी हुई है। दुकानदार घूमता था, इधर बयाम खुलना शुरू हो जाते थे और उसमें से चार पांच ऐसे एक किताब की दुकान थी, उसके पेन जो है सामने रखे होते थे रेनॉल्ड्स के। रेनॉल्ड्स नहीं था बाय द वे, रेनॉल्ड्स जब आया था तो रेनॉल्ड्स के भी नकली वर्जन आए हुए थे सस्ते टाइप के, वो सामने यूं ही रखे होते थे, उसमें से एक दो उनका लेना ही लेना था। तो उन्होंने वो जो कापियां होती हैं परीक्षा की कापियां, वो एक रूम में रखा होता था, और साहब हो गए थे फेल एक सब्जेक्ट में, तो इनकी जिद थी कि मुझे उस सब्जेक्ट में पास कर दो, मैं आगे निकलूं यहाँ से। एक सब्जेक्ट के लिए एक साल कुर्बान करना मेरे लिए ठीक नहीं। तो वो जाते थे यूनिवर्सिटी और गुहार लगाते थे रजिस्ट्रार से यहाँ वहां, निकलते वक्त वो एक मुश्त कापियां रखी होती थी एक कमरे में परीक्षा की, जो बांटी जाती थी परीक्षाओं में, वो उठा लेते थे, साइकिल पर रखते थे, चले जाते थे, और फिर लड़कों में बांट देते थे कि इसमें रफ करो। ठीक है, तो ये बात उनकी पकड़ी गई एक काफी समय के बाद। उनको पूछा गार्ड ने कि आप कौन और कहाँ ले जा रहे हो, तो उसने कहा कि तुम्हें क्या मतलब। तो ऐसे करते थे। उन्होंने एक बार बैंक में जो है, बैंक में समझिए एक तरह से डाका भी डाल दिया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, काउंटर नंबर 5 लिखा हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई बैंक था, उसमें जालियां होती है ना, जालियों के पीछे टेलर लोग बैठे होते हैं, क्लर्क इतने जो भी है, जालियों में काउंटर नंबर 5 लिखा हुआ था और मेरा रूम नंबर था 5। तो उन्होंने उसको खोलना शुरू किया, वो एक तार से बंधा हुआ था, उसको खोलना शुरू किया, तो उधर से टेलर बोले ये क्या कर रहे हो, उसने कहा कुछ नहीं अपना काम करो, खोलना शुरू किया। तो फाइनली गार्ड जो था बैंक का, जिसके पास एक दुनाली बंदूक कटी हुई होती है ना, छोटी छोटी साइज की, वो आया उसके सामने और उसको कहा ये क्या कर रहे हो, उसने कहा बस इसको खोल के ले जा रहा हूँ। तो गार्ड ने कहा आप नहीं कर सकते, उसने कहा इसके लिए तुम गोली तो मार सकते नहीं हो, है ना, तो छोटे चीज के लिए गोली नहीं मारोगे और ऐसे आओगे तो आ जाओ। इस तरह का उनका वो बना रहता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छेड़खानी करनी है। पर उसको वो ट्रेनों में भी लोगों को कभी कभी धमका देते थे। एक बार हम ट्रेन में चढ़े, परीक्षा देने जा रहे थे बहुत सारे लोग बनारस, तो चढ़ते ही उन्होंने बहुत जोर से ऐलान कर दिया कि पैसे थोड़े कम है, आज किसी की जेब कटेगी। तो समझिए एक तरह से जैसे पानी में तेल डालते हैं तो कैसे फैल जाता है, वैसे वो जिधर से गुजरते थे लोग सारे फैल जाते थे बहुत आराम से। ये सब छोटी छोटी कहानियां रही। मेरी तो बहुत वैसी है जैसी बहुत सारे ज्यादातर लोगों की होगी। मैं घर से मैंने बिस्किट और नमकीन चुराना शुरू किया सबसे पहले, और खाने पीने की चीजें, वो भी तब जब मेरे माता पिता कहीं बाहर जाते थे, तो मेरा खौफ था उस समय। और ऐसी चीजें वो छिपा कर रखते थे, जैसे कभी चावल के डब्बे में एक पन्नी में बांध कर, या किसी पुराने कनस्तर में, क्रीम के बिस्किट में बहुत चुराता था। थोड़े और बड़े होने पे, मतलब स्कूल के समय पे कुछ और चोरियां भी मैंने की हैं। मतलब पहली बार शायद एक साथ इतने सारे लोगों को बता रहा हूँ। मैं कई कॉम्पिटिशन्स में जाता था, है ना, मुझे शुरू से ही मैं काफ़ी ये सब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो एक साइंस एग्जीबिशन लगती थी पहले स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे। तो उसमें स्टूडेंट साइंस के मॉडल लेकर के आते थे, और उसमें होता क्या था कि जैसे कोई पानी की टंकी का मॉडल है जिसमें अलार्म अलार्म बजना है, इस तरह के मॉडल्स होते थे। तो पानी की टंकी एक हाउसिंग सोसाइटी में दिखाई जाती थी, तो हाउसिंग सोसाइटी एक पतली वाली जो लकड़ी होती है ना, उससे वो घर बनाए जाते थे दिखाने के लिए, और उनके सामने ऐसे सड़कें बनाई जाती थी। तो उन सड़कों को थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए वहां पे वो छोटी कारें नहीं आती जो एक उंगली के बराबर कारें होती, सेडान हैचबैक सब होती है, वो भी रख देते थे, वो रखी जाती थी, इनफैक्ट टेप से चिपका के रखी जाती थी या ग्लू से। तो वो कारें मैंने बहुत चुराई हैं, मतलब वो मैं छोटा था हाइट में उस समय तक, और लोग बता रहे हैं वो मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसे हाथ रख लिया अच्छा क्या बता रहे हैं, और जहाँ हाथ रखा है हाथ के नीचे ही कार है, और जब हाथ उठाया तो उचार लिए, जिसको कहते हैं उचार लेना तो मैंने कारें उचारी हैं। मैंने च्युइंगम्स चुराई हैं, मतलब ऐसे कि मैं जैसे छठी सातवीं में था और मेरी हाइट कम थी, तो जब मैं कुछ खरीदने ऐसे जाता था, चिज्जी लेने बेसिकली, जो दुकानों पे, जिस दुकान पे मैं जाता था उसका काउंटर मेरी हाइट से ऊपर था, मतलब डब्बे मेरी हाइट से ऊपर थे, अगर मैं खड़ा हूँ तो दुकानदार को मैं दिखता नहीं था। तो मैं ऐसे 2 का सिक्का एक डब्बे के ऊपर रखता था, दुकानदार थोड़ा लापरवाह था ये मुझे पता चल गया था, और एक डब्बा नीचे उतार लेता था, क्योंकि मैं ऐसे खोल के उतार ही नहीं सकता था, तो उसको मालूम था ये हाइट छोटी है इसलिए नीचे उतारता है। तो मैं 2 च्युइंगम मुझे निकालनी थी उसमें, और अक्सर मैं कभी 5 कभी 7 च्युइंगम्स निकाल लिया करता था। वाह वाह, ये मेरे कन्फेशंस हैं। अच्छा, मैं ये चोरी की बात आई, परीक्षा में चोरी एक चीज होती है, हाँ, उसे चोरी करना कहते हैं। और जब मैं जिस स्कूल में पढ़ता था बिहार में, हॉस्टल में रहता था, वहां पे बहुत सख्त इंतजाम था, पर बाकी स्कूलों में चोरी होती थी। हम सुनते थे यार वहाँ चोरी बहुत होती है, वहां पे नवी का फॉर्म भर दो 10वीं का, तो उस स्कूल से लड़के जो हैं वो चोरी कर सकते हैं, तो हम लोग तो कर ही नहीं सकते। तो हमारे यहाँ चोरी होती नहीं थी। फिर बाद में मैंने चोरी करवाई है, करने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हो पाई। मैं पढ़ने लिखने में ठीक था, तो मुझे आवश्यकता शायद नहीं होती थी, मैं अच्छी तैयारी करके जाता था, एक रात ही पढ़ता था पर बहुत जबरदस्त पढ़ के जाता था, और मैं मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अर्ली क्लियर होते थे, मुझे समझाने में और समझने में बहुत आसानी होती, तो हो सकता है वो नेचुरल एक फायदा था, तो मैं कर नहीं पाता था, हमारे यहाँ होती भी नहीं थी क्योंकि वो स्कूल ही ऐसा था। पर बाद में मैंने चोरी करवाई है, क्योंकि ये लोग जानते थे यार इसको आता है सब कुछ, है ना। तो फिर एक भाई की परीक्षा में मैं ड्यू मतलब नियम के अनुसार उसके साथ जाता था, बाहर बैठा रहता था, और कोई ना कोई आदमी क्वेश्चंस लीक करके बाहर लाता था, है ना। फिर उसके जो है पुर्जे बनाए, और फिर खिड़की से पास करने वाला काम वो मैंने किया एक बार। मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि उसमें क्या कारण था, सभी कर रहे थे, वो माहौल ही ऐसा था वहां पे ना। माहौल ही ऐसा बन जाता है कि वहां पे सारे पे अभिभावक आए होते हैं, सभी लोग आए होते हैं, उनका काम होता है बच्चे को परीक्षा दिलवाना है। हाँ, परीक्षा दिलवाने का अर्थ होता है पास करावे का है, पास कराना है। हमने खाली सुन रखा था कि अन्य स्कूलों में ऐसा होता है, और वो पहली बार था मैंने देखा कि कैसे सारे लोग मेहनत करते हैं, पूरा परिवार आके खड़ा हुआ है, 3-3 लोग जो है वो उसको मदद कर रहे हैं। और जब तस्वीरें आती हैं आजकल, वैसा सिचुएशन नहीं था, थोड़ा डर था, क्योंकि बीच में कोई आ जाता था, फ्लाइंग स्क्वाड बोलते थे उसको, उलंदस्ता, हाँ, हंगामा हो जाता था, लोग भागते थे, लाठियां पड़ती थी, चौराहे से हल्ला मच जाता था। हमको तो याद है कि चौराहे पे पहुंचते ही लौके भाग लेते, उलन दस्ता ऐसे कहते हुए कॉलेज की तरफ भागते थे, और कॉलेज में सब सचेतक जो है तुरंत टीचर जो है अपनी चेयर से खड़े हो जाते थे, उलन दस्ते का खौफ तो इतना भयंकर था। वो परीक्षाओं में सवाल जो लोग चोरी करने वाले, मतलब नकल करने को बिहार में ज्यादातर मैंने सुना चोरी करना कहते हैं, तो जो लोग चोरी करने वाले होते थे उनके पूछने के तरीके बड़े मजेदार होते थे। अगर वो पहले 3 उंगली दिखाएगा फिर 2 उंगली दिखाएगा, इसका मतलब है कि उसे तीसरे क्वेश्चन का दूसरे पॉइंट का जवाब चाहिए। तो वो बड़ा वो सवाल भी ऐसे था, निम्न में से किन्हीं 2 पे टिप्पणी करें। अब वो 3 दिए हुए, तो वो 3 का 2 पूछेगा, 3 का 1 पूछेगा। नहीं, हमारी तो चोरी की जो शुरुआत हुई वो जो मुझे याद है, मतलब पता नहीं चोरी कब से कर रहे होंगे, लेकिन जो याद है वो पहली चोरी मुझे याद है वो है, और वो अनवरत होती थी, और उसके लिए एक आध बार लतियाए भी गए हैं विधिवत, लेकिन वो चोरी हमने आखिर तक नहीं छोड़ी, मतलब जब तक घर में रहे। मलाई चुरा के खाना, तो हमारे यहाँ क्या होता था कि रात में एक बड़े से दोदहान, उसको कहते हैं, वो पत्थर की हो जाती है पकते पकते, छोपा लग लग के, और 4 फीट गहरे गड्ढे में कंडे डाल के चूल्हे की बची हुई आग डाल करके और उसमें दूध भर के उसको बैठा दिया जाता था। ऊपर से जालीदार ढक्कन लग जाता था उस खुड्डी के और उससे धुआं उठता रहता था, उसके जो छेद बने हुए थे। तो रात भर उसमें दूध पकता था और सुबह 5-6 बजे वो मटका उसमें से निकाला जाता था। तो आप सोचिए कि 8 घंटे का औटाया हुआ दूध जिसमें बादाम के छिलके के रंग की मोटी मजबूत मलाई होती थी और उसके नीचे गुलाबी रंग का सौंधा दूध होता था। तो माता जी वो मलाई नहीं छूने देती थी क्योंकि उसी को मक्खन में कन्वर्ट होना है। ये पूरी दुधाव जो है ये खुरच करके दही के जोरन वाले या जामुन वाले मटके में पलट दिया जाता था। तो मेरा ये होता था कि उसमें से दशांश जो है वो मिल जाए, तो दशांश के ऊपर चीनी दुरदुरी डाल करके मोटे दाने उसको खाने का जो आनंद है, मतलब मुझे लगता नहीं कि सृष्टि में उससे ज्यादा आनंद की कोई चीज हो सकती है अगर आपको बढ़िया सौंधी मलाई चीनी डाल के खाने को मिल गई है। तो वो चोरी मुझे याद है। और गांव हम लोग जाते थे तो एक भगवान मौर्य थे हमारे गांव में, रोड के इस पार गांव है जहां से 100 मीटर पे हमारा घर है और रोड के उस पार खेत है। तो उन खेतों में एक भगवान मौर्य थे, उनका खेत एकदम रोड से लगा हुआ शुरुआत में ही था और उनका कुआं था जिसमें वो चमड़े की उसमें भर के क्या तो उसको कहते थे, देखिए नाम ही नहीं अभी ध्यान आ रहा है, बैलों के माध्यम से वो चमड़े का थैला भर के पानी कुएं से निकाला जाता था और उसको कुएं की जगत पे वो पलटते रहते थे। वहां से नालियों से वो खरबूजे, ककड़ी, तरबूज, फूट ककड़ी, खीरा, लौकी, तरोई, इन सब की सिंचाई करते थे। तो गर्मी के मौसम की ये खेत सब्जियां हैं और वो मौर्य थे, उनका सब्जियों का ही मेन काम था और वो अच्छा दाम मिलता था क्योंकि हफ्ते में 2 बार हाट में जानी है। तो 3 दिन में फसल तैयार हुई, तौल करके 3 बजे बाजार चले गए, बेच के चले आए। तो कैश क्रॉप टाइप मामला था वो। तो हम लोग जब जाते थे सवेरे निपटान के लिए गांव में, तो निपटान की जगह उनके खेत के आसपास की तय की जाती थी और वहां पे एक आध बगिया वगिया थी, बबूर के कुछ झाड़ झूल के थे, तो वहां से निपट करके और धोए धाए करके फिर वहीं आ जाते थे और इस इंतजार में रहते थे कि अब ये दाएं बाएं हों। अगर किधर ही बकरी आ गई एक खेत में दूसरे कोने पे और वो बकरी भगाने के लिए उधर चले गए, तो इधर अपने को तुरंत जो है 2-4 खीरे और 1-8 खरबूजा वहां से गायब कर देना है। और कई बार हम लोग को लगता था कि हम लोग देखे नहीं गए हैं, लेकिन शाम को जब घर पे जूता चलता था, जब वो ओरहन लेके आते थे कि सब गाय हैं, जितना खाएं नहीं वैसे ज्यादा नाश कर आए तो नाश के लिए हम लोग जुतियाए जाते थे। ये होता था। इससे याद आया बाबा, मैं तो बड़ा हो गया था, मैं 11वीं का छात्र था और मैं गंगा किनारे मेरा कॉलेज था और हम सुबह जो है गंगा तैरते थे खूब और मैं तैराक टाइप का हो गया था, मैं पार कर जाता था, है ना। वाह। 1-1.5 किलोमीटर एक लंबी धार थी, उसको पार कर जाता था। उस तरफ होते थे तरबूज, गंगा किनारे। हाँ, किनारे ही होते हैं ज्यादातर। हाँ, बहुत सारे, है ना। हाँ, तो बहुत बढ़िया होता है वो रेत में। हाँ, तो हम उधर गए और हमें ये रहता था कि वहां से कुछ तो रिवॉर्ड लेके आए, तो वो एक तरबूज उठा के कूद जाते थे फिर वापस गंगा में और तरबूज को धकेल धकेल के लाते थे। वो एक प्ले भी हो जाता था। हाँ, और वो डूबता भी नहीं, फुटबॉल की तरह चलता है वो। हाँ, तो उसको धकेल धकेल के लाते थे। ये बात जो है ना, अच्छा, जो दियारा कहते हैं उसको, जो आपका बैंक सैंडबैंक वाला एरिया होता है, उसको दियारा कहते हैं जी। तो दियारा के जो खेतिहर है उनका बहुत, जब जैसे जैसे गंगा छोड़ देती है जमीन, तो जमीन बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसकी रक्षा करना मुश्किल होता है। लेकिन उनको आइडिया लग गया था कि ये कुछ लौंडे जो है वो कॉलेज के आते हैं और यहाँ से तरबूज लेके जाते हैं। तो एक बार उन्होंने पूरी सेटिंग कर रखी थी पकड़ने की, पकड़ तो नहीं पाए, है ना, क्योंकि हम गंगा में कूद गए, बट उन्होंने जो रगेदा बॉस, क्योंकि हम थके होते थे एक राउंड के बाद, वापसी में थोड़ी सी तकलीफ होती थी बॉडी में, थक चुके होते थे और ऊपर से वो तरबूज भी लाना है। तो हम तरबूज को धकेल रहे, हम मतलब तरबूज के पीछे हैं और हमारे पीछे वो है और ये डर था कि, और वो बोले जा रहा है कि तुमको यहीं आज गाड़ेंगे, तुमको यहीं डुबाएंगे, गंगा मैया ही ले जाएगी। जब भी मैं आई से देखता हूँ ना, तो उसमें एक जंतु है, वह कभी भी अपना एक, उसके पास क्या है वो नारियल जैसा, उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो उसको छोड़ता नहीं है। तो उस तरह से था कि जान पर बनाई है, बंदा ये बोल रहा है क्लियरली, उसकी आवाज सुन पा रहे हो दूर से कि आज तो गंगा में ही डालेंगे इसको, लेकिन अपन तरबूज नहीं छोड़ते थे, तरबूज को धकेल धकेल के ले ही आए। अच्छा, कुछ चीजें ना जैसे ये बेची जाती हैं तो कुछ ऐसे चीजें ऐसे लगता है कि बेचते हुए जब आप खरीदने जाएं तो वो बनी ही इसलिए हैं, मतलब कुछ उनकी बनावट में ऐसी सुविधा है कि आप थोड़ा तो दाब ही सकते हैं, जैसे गुड़, जैसे मटर, जैसे अंगूर, जैसे मूंगफली, ये सब दाम पूछते आप 100 ग्राम ये सब कहिए, ये अंगूर कैसे दिए, 3-4 खाए यार, खट्टे हैं बीच बीच में। सिंघाड़ा भाई, सिंघाड़ा, हाँ सिंघाड़ा। अच्छा, एक चोरी जो है जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था कि साल में एक बार हम लोग एक महीने के लिए घोषित रूप से चोर रहते थे और वो महीना होता था फागुन का। तो बसंत पंचमी से होली के दिन तक, बसंत पंचमी के दिन जहाँ पे होलिका दहन होता है वहां पे एरेंट गाड़ दिया जाता है और ये रेड़ी के पेड़ के चारों तरफ लोग फिर पुरानी लकड़ियां और लग्घी और उपला वगैरह ये सारी चीजें डालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे तो उसमें डाल वाल काट करके कहीं कहीं से डालते रहने का हम लोगों का वो था, खींच के ले जाना, और उसमें 10-15 लड़के हल्ला मचाते हुए नाचते गाते हुए चलते थे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन होली की जो रात होती थी उसमें क्या होता था कि कुछ पेड़ या कुछ पुरानी गुमटियां, लकड़ी का सामान, जैसे किसी का तखत है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, साइकिल वालों की दुकान पे जो टायरों का एक पूरा ऊपर लदे रहते थे कि पता चला कि 50 टायर रखे हुए हैं, एक चेन से बांध के रखते थे, वो साइकिल की चेन से, ये सब आइडेंटिफाई रहते थे। और ये हो जाता था कि इस बार जो है ढिल्लन की गुमटी इसमें जानी चाहिए, साला दुकान बंद कर दी से, यहाँ गुमटी धरे है इतने दिन से, ये कौनो गद की बच्ची नहीं, इस बार ढिल्लन की गुमटी को निपटा देना है। तो वो 12 बजे तक सब लोग अपनी दुकान दिखाते रहते थे और उसका धीरे धीरे चले आते थे कि हाँ बस जले वाली है। तो लोग हो जाते थे कि अब क्या डालेंगे साले, अब तो हो ही गया। लेकिन हम लोग तब खुराफात करते थे जब ये भीड़ छट जाती थी, और वो 12 बजे से 3 बजे तक रात में कितने लोगों के यहाँ पहले लोग पेड़ कटवा के सामने घर के जलवाए रहते थे उसके तने कि आरा मशीन पर ले जाएंगे, जब थोड़ा ये और झुरा जाएगा, ओद थोड़ा कम हो जाए, इसका मॉइस्चर, लकड़ी और सूख जाए, तब इसका पटरा चिरवाएंगे, क्योंकि कच्चा पेड़ अगर आप चिरवा दीजिए तो उसके पटरे ऐंठ जाते हैं, तो तने को झुरवाना होता है। हम लोग उसको पूरा का पूरा टायरों में फंसा करके 20-20 लौंडे खींच के ले आते थे और चौराहे पे होली भी लगा देते थे, गुमटियां डाल देते थे, जंजीर तोड़ के टायर फेंक देते थे। तो सिविल लाइंस के पास घर था तो वहां पे ट्रैक्टर और जीप की पूरी रिपेयरिंग का काम बहुत, वो हाईवे पे, लखनऊ इलाहाबाद हाईवे पे, वो वहां पे 50 दुकानें हैं, उनके यहाँ से कच्चा मोबाइल ऑयल के झरीकेन जो बाहर ही पड़े रहते हैं, क्योंकि वो 1.5 रुपया लीटर के हिसाब से जला हुआ मोबाइल ऑयल मिलता है, और साइकिल वाले ले जाते हैं उसको, साइकिल रिपेयर वाले ले जाते हैं उसको साइकिलों में डालने के लिए, बैरिंग वगैरह में। पूरी बदमाशी की सारी कारगुजारियां मालूम है आपको। तो वो सब ले आना, तो इस तरह से। और सबसे रोचक उसमें था कि एक मास्टर साहब थे, वो गालियां बहुत बकते थे, बकुली जैसे गोल हो चुके थे, कमर के पास से वो फेसबुक के ऐप की तरह हो चुके थे। तो एक बार हम लोगों ने, वो तखत पे सो रहे थे अपने घर के बाहर, उनके सहित तखत उठा करके हम लोग होली के पास लाके रख दिए। जब उनको ताब, और सुनिए कि कितनी सावधानी से 12-15 लौके उठा के लाए होंगे तखत को, कि पैरों की आवाज और सांस की आवाज, उनको पता नहीं चला कि थोड़ा पी पा के सोते थे, लेकिन ऐसा भी क्या गहरा नींद में आप सो रहे हैं कि आपको आपके घर से तखत सुधा कोई उठा के ले आए चौराहे तक और आपको पता ही नहीं। जब उनको होली की आग के पास तखत रख दिया हम लोगों ने, गर्मी लगी, तब वो उठे, फिर वहां से सबके घर में जितनी भी तरह की स्त्रियां होती हैं सबके प्रति सम्मान उन्होंने व्यक्त किया, और हम ही लोग जो उनको उठा के लाए थे, हम ही लोग आगे, अरे बहुत बदतमीज है लड़के, अरे हम तो रहन नहीं, हम तो होरा हेरे गए रहन हुआ पे रामदीन के खेते में, ये सब बहुत पाजी हैं, बताओ देर का मास्टर साहब का परेशान की। फिर 5-6 लड़कों के साथ में वो तखत वापस हम लोगों ने भिजवाया। तो इस तरह की खुराफाते जो है, और ये इसके अलावा मेले में गुल्लैया चोरी करना है, जो गुड़ और लाई के लड्डू बनते हैं ना, तो वो बड़े से पॉली बैग में भर के उसको रखे रहते हैं। हमको याद है 1 रुपए में 12 गुल्लैया मिलती थी हमारे बचपने में। एक बड़े से लिफाफे में डाल के लगता था कि कितनी बड़ी चीज हासिल करनी है, और बढ़िया क्रंची और गुड़ में लपेटी हुई। तो वो उससे बतियाते बतियाते धीरे से एक लुढ़काना है और नीचे गमछे में डाल लेना है, फिर दूसरी लुढ़काना है गमछे, तो 2-3 अपने पास इकट्ठा हो गई। वो 1 रुपए की 12 है, आप खरीद के खा सकते हैं। ये बिल्कुल सही शब्द है, मतलब ये चोरी लुढ़काए बिना हो ही नहीं सकती थी। और दूसरी जो चोरी हम लोगों ने की है वो ये की है कि चाट वाले के यहाँ टिकिया, जो आलू की टिकिया बेचते हैं, उसके यहाँ जाकर के तो भैया चाट बनाओ। अब उसने चाट बना दिया और वो अपने ठेले में एक तरफ गोलगप्पे रखे रहता है, पूरा पिरामिड बना करके बड़ा सा बेलनाकार, पीसा की मीनार की तरह। उसके पॉलिथिन में उंगली मारते थे तो छिद जाती थी, जहां छिदती थी वहां पे 2 उंगली डाल के उसको धीरे धीरे फैला देते थे, और वहां से गोलगप्पे सरकार के अपनी चाट पे फोड़ के उनको डालते रहते थे क्रंच के लिए। तो 3-4 गोलगप्पा इस तरह से निकाल के बहुत कलाकारी हम लोगों की है। चोरी के उसमें कॉस्ट से ज्यादा जो आनंद देता है ना, वो आपका पराक्रम देता है। देखो हमने इतने लोगों को बना दिया है, सरे बाजार भरी दोपहरी में कैसे चोरी की है। किक मिलता है एक, हाँ एक किक मिलता है, मजा तो आता है गुरु। किक मिलता है साहब, एक ना पकड़े जाओ तब भी किक मिलती है, लेकिन हमारे शहर में इधर भागलपुर में क्या होता था, हर साल ना एक हॉल में लगता था लुधियाना वुलन सेल। बेसिकली वो जीन्स भी बेचते थे, कपड़े बेचते थे, सब तरह की चीजें बेचते थे। तो अपन गए वहां से जीन्स खरीद के लाए। वो ओसवाल के नकली स्वेटर बेचते थे, लेकिन उसके साथ साथ बाकी भी सब कुछ बेच लेते थे। हाँ, तो अपन जीन्स ले आए। तो हमारे मित्र ने कहा कि कितने में लिया, हमने कहा कि यार 500 में लिए। कहा अरे वाह गजब, चलो मुझे भी चलना है एक दिन, हम भी लेंगे। तो हम उसके साथ गए थे उस दिन जिस दिन ये घटना हुई, हम साथ गए थे। और वो गए साहब, उन्होंने एक जीन्स पसंद की, वो लेके आए। और जहां एक एंड में ना एक काउंटर था जहां पे पैसे लेते थे, क्योंकि हॉल था, लोगों को घूमने की आजादी थी पूरी। वहां लाके उन्होंने एक जो जीन्स उठाई थी, उन्होंने वहां पे पटकी बहुत जोर से, बोले कि फिट नहीं हुआ, दूसरा दो। तो उसने कहा कि ठीक है बिल लाइए। कब लिया था? कल लिया था। पहचान नहीं रहे हो हम लोगों को? तो मुझे देख के बोलता हाँ पहचान तो रहे, आए थे आप। ठीक है। तो मैं बेवकूफ तुझे बना रहा है। वो कहता सब बिल लाइए। यार कल तो आप बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जब आओ 7 दिन में बदल लो, अभी बोल रहे हो बिल लाइए, कल बोलोगे रजिस्टर लाइए, परसों बोलोगे सर्टिफिकेट लाइए, क्या? और तब तक वहां 1-2 लोग और आ गए जिनको बिल बनवाना था। उनको इन्होंने घेर लिया कि नहीं ये तो गलत बात है, भाई साहब बताइए यार, इन्होंने कल बोला कि 7 दिन में कभी भी आओ बदल देंगे, अभी लेके आ रहा हूं। तो कहते हैं नहीं बिल लाइए, ये लाइए, वो लाइए, ये क्या तरीका है? तो तब तक वो प्रेशर में आ चुका था। उसने कहा भाई साहब कुछ तो बोला, ये आपके दुकान का माल है, एक यस या नो। उसने कहा हाँ माल तो है, फिर तो बदलने में क्या तकलीफ है आपको? तो उसने कहा भाई साहब इनको दे दो यार 32 नंबर का। वो लेके मेरे सामने ही बोले तुमने पैसा दिया था इसके लिए। अरे बाप रे। तो लेकिन 250 रुपए तो आपका बनता था उसमें। कई लोग क्या जुगाड़ लगाते हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। उस मोमेंट तक जब तक हम बिल काउंटर पे नहीं गए थे, मुझे पता नहीं था कि प्लान क्या है, बिल्कुल ही नहीं। और मैं चकित होकर लौटा। तब से मैं उनको मतलब आदर की नजर से देखता हूँ कि भाई साहब आप महान है, हम लोग सब यहाँ पे बैठे। जब ये मॉल कल्चर आया था ना नया नया, तब लोगों ने शुरू में काफी किया था। मतलब जब उस तरीके से बिल्कुल चौतरफा सीसीटीवी नहीं होते थे मॉल्स में भी नहीं। अब तो वो लगाते हैं ना, ये जो अब तो वो लग जाती है अलार्म सेंसर वाला। हाँ वो पहले तो मैंने तरह से नहीं था। हाँ मैंने एक बार मतलब मैंने कभी देखा नहीं कि वो पकड़े कैसे जाते हैं, लेकिन 2 बरस पहले डीकैथलॉन में मैंने देखा कि एक कोई सज्जन लेके जा रहे थे, फिर उसने उनको पकड़ा और कहा कि नहीं आप पैसे कैसे लेके जा सकते हो, ये वो टिटियाने लगता है वो। हाँ तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं गलती से ले आ रहा, लेकिन वो फिर वो कुछ बात बनी नहीं। अरे बुक फेयर में मेरा एक दोस्त बुक फेयर में हर बार 10,000 रुपए की किताबें चोरी करता है। और उसका उसूल सीधा है कि जहां पर लिखा है कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, वहां आप फ्री हो, वहां आप आराम से चोरी कर सकते हो, क्योंकि जो जहां पे सीसीटीवी असल में होता है वहां उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, उसके पास मॉनिटर होता है। तो वो कहता है कि ये ऑलवेज चेक फॉर द मॉनिटर, मॉनिटर कहीं दिख रहा है जहां पे 4 विंडो 8 विंडो बनी है तो वहां चोरी मत करो। अगर मॉनिटर नहीं है, भले ही A4 साइज में वो निकाल के प्रिंट आउट लगा हुआ है, यू आर, वहां से आप सेफली किताबें चुरा सकते हो। वो पढ़ाकू आदमी है लेकिन उसको मजा आता है चोरी करने में। वो हर साल बुक फेयर जाता है और अपने राउंड्स लगाता है और किताबें लेकर के आता है। वैसे तो एक तो ये जो एक चीज है ना कि एक तो होता है जरूरत के लिए चोरी, लेकिन दूसरा होता है मजबूरी, और एक मजबूरी के लिए, हाँ, और तीसरी एक चीज होती है जिस डिजीज के ऊपर हम लोगों ने अभी बातचीत शुरू की कि वो एक आदत होती है चोरी की, उसमें ना मजे की कोई गुंजाइश है ना कुछ, वो बीमारी है। और वो बीमारी है, और वो सचमुच में बीमारी है, उसका इलाज भी होता है, हाँ, उसके लिए काउंसलिंग करनी पड़ती है बहुत लंबी चौड़ी, और कई बड़े बड़े लोगों को वो बीमारी पाई गई है, मतलब कई मशहूर लोग ऐसी बीमारी से ग्रस्त पाए गए हैं कि वो कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ उठा लेते हैं और उसको उठा करके अपना आ जाएंगे। रे की कहानी में यही तो दर्शाया गया है कि एक बहुत बड़ा पहलवान है और एक बहुत बड़ा गायक है, लेकिन आदत है, दोनों चुट्टे हैं। हाँ, एक वो वाली चोरी भी तो है, चोरी चोरी देखे मुझको ये दीवाना चोरी चोरी आंख लड़ते में दिखा दूं तो सही, खांस कर खंखार कर उसको जता दूं तो सही तो ये जो एक प्रेम वाली चोरी भी है, और पर चूंकि अगले विषय की ओर बढ़ना है तो एक बिजार हो ले, हाँ बिजार हो ले, लेकिन एक जेएनयू का एक किस्सा है, बड़ा मशहूर लोग सुनाते हैं कि एक बार जेएनयू के हॉस्टल में एक चोर पकड़ा गया। तो कायदे से तो चोर को कूटा जाना चाहिए था, चोर पकड़ा गया है, लेकिन ये जेएनयू था, तो अलग अलग पार्टियों के लड़के बहस करने लगे कि चोर के साथ क्या किया जाए। तो बहस शुरू हुई और फिर थम गई, किसी ने कहा होगा कि कॉमरेड दिस इज सिम्पटम नॉट डिजीज, हाँ वही वही तो सबको चाय की तलब लगी थी, सब लोग चल पड़े चाय पीने, चलो पहले चाय पीते हैं। तो आगे पीछे लौंडे, बीच में चोर, सब लोग चल रहे हैं चाय पीने। अब सवाल उठा कि पुलिस बुलाई जाए या नहीं। तो किसी ने कहा समाज को पुलिस की जरूरत क्यों पड़ती है, पुलिस का चरित्र क्या है, और पुलिस क्या तो खुद चोर है और क्या पुलिस जो है वो चोर को उसके आर्थिक सामाजिक हालात को ध्यान में रखकर दंड देगी और फिर चर्चा यहां तक पहुंची कि आखिर कोई चोर बनता क्यों है। तो राइट वाले ने कहा कि यह पूर्व जन्मों के पाप और इस जन्म के कुसंस्कारों का फल है। फ्री थिंकर बोला कि चोर एक जरूरी किस्म की अराजकता है जो अपने बनेले और बिगड़ेलेपन से सृष्टि में सौंदर्य लाता है। और अल्ट्रा लेफ्ट ने कहा कि ये चोर नहीं है, ये बुर्जुआ का सताया हुआ सर्वहारा है जो अब 1000 साल की नींद से जाग गया है और संसाधनों पे कब्जा करने आ गया है। और राइट हक है, हाँ। हाँ, और राइट वाला फिर लपक के बोला कि नहीं नहीं, ये कांग्रेस की गरीबी हटाओ नीति की जो है नाकामी का प्रमाण है। तो कैसे तय हो कि चोर क्या है। चोर से पूछा गया भैया तुम कौन हो। चोर बोला मैं तो चोर हूँ, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं तो चोर ही मानता हूँ अपने आप को। कहे भैया ये सरवारा वगैरह मैं जानता नहीं हूँ ये कौन होते हैं, थोड़ा अध्ययन, अपन चोरी में ठीक है, थोड़ा अध्ययन मेरा कमजोर है तो उससे कहा कोई बात नहीं, तुमको अपनी सामाजिक राजनीतिक अवस्था का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिक्र ना करो, नीति तुमको जेएनयू ले आई है, हम बताएंगे तुम कौन हो। तो फिर जो है जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई और उसमें एक साथी बोले कि मुझे यहाँ से हड़प्पा के अपने वे भाई नजर आ रहे हैं जिनको आर्यों ने अपने हथियारों के दम पर खदेड़ दिया था। दूसरा बोला मुझे महान हिंदू संस्कृति के अवशेष नजर आ रहे हैं जिन्हें मुस्लिम और अंग्रेज आक्रांताओं ने पैदा किया है और किसी ने कहा कि चोर गांव का है इसलिए यह भारत माता ग्राम वासिनी का अपमान है। किसी ने आशंका जाहिर की कि ये कहीं रूस का एजेंट तो नहीं है। तब जाके जो है चोर का धीरज जवाब दे गया। वो गिड़गिड़ाने लगा कि भैया हमको पुलिस में दे दो एक बाबा जो है तब खैनी रगड़ते हुए बोले कि आहा कैसा सुंदर मनोरम दृश्य है, हमने इस चोर के भीतर का अंधकार उसी प्रकार दूर करा दिया जिस प्रकार प्राचीन भारत में तोते शिशुओं का संस्कृत उच्चारण शुद्ध कराते थे। तो इस तरह भारी शोर और फिर भारी शोर हुआ, तालियां हुई, डफलियों के बीच एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि रोटी की चोरी चोरी नहीं होती, और चोर को खिला पिलाकर छोड़ दिया गया। तो ये कहानी है एक चोर और चोरी की व्याख्या के तौर पर। लेकिन जेएनयू में जो चीज सबसे ज्यादा चोरी होती है वो है पानी। अच्छा, क्योंकि जेएनयू में पानी का संकट बहुत तगड़ा है, और सवेरे 1-1.5 घंटे पानी आ करके, जो मेरा अनुभव रहा है, फिर पानी चला जाता था। और अगर आप तब तक नहीं उठे हैं तो भाई साहब, अगर आप बाथरूम में बगैर चेक किए बैठ गए हैं कि मग्गे और फ्लश में पानी है कि नहीं है, तो आपके साथ खतरा हो सकता है। और फ्लश को तो आप चेक भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हो सकता है कि फ्लश आखिरी बार भरा हो, ये दोबारा नहीं भरेगा, तो चेक करना ज्यादा रिस्की है। हाँ, तो उसमें यही हुआ था कि एक किस्सा हम लोग के मित्र और हम लोग से वरिष्ठ शाहिद जमाल सुनाते थे कि जब वो हुआ करते थे जेएनयू में 80s में, तो एक नए अंग्रेजी सीख रहे या सीखने की कोशिश कर रहे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी ने एक किसी अपने विदेशी छात्र को, जो कि ब्लैक कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, और वो निकला बाथरूम से, और ये बाथरूम में मतलब टॉयलेट में दाखिल हुए और तुरंत ये निकल के बाहर आए, और उसके ऊपर वो हिंदी के जो छात्र महोदय थे वो बिगड़ पड़े अंग्रेजी में, क्योंकि अब हिंदी में घर आएंगे तो समझ नहीं पाएगा। तो जितना अंग्रेजी उनको आती थी उन्होंने पूरी उसमें लगा दी, और उन्होंने कहा, यू डर्टी ब्लैक मैन डूइंग टाइम्स ऑफ इंडिया इन द बाथरूम। वो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से पोंछ के आ गए। कागजी कार्रवाई कागजी कार्रवाई हो गई थी। तो लेकिन मैं जब रहा जेएनयू में, मैं छात्र नहीं था जेएनयू का, लेकिन मैं रहा, मेरे अलावा एक और सज्जन हैं लखनऊ के जो मुझसे वरिष्ठ हैं, लेकिन वो भी मित्रवत हैं, शनय नकवी। वो भी कभी भी जेएनयू के छात्र नहीं रहे, लेकिन जेएनयू में रहे। मैं भी 2 साल जेएनयू में रहा। विद्रोही जी भी छात्र नहीं रहे, लेकिन रहे। हाँ, विद्रोही जी तो छात्र थे, लेकिन उनको निकाल दिया गया। हाँ, तो लेकिन हम तो कभी छात्र ही नहीं रहे, हम तो आईएमसी के थे, लेकिन हम 2 साल रहे जेएनयू में। तो नर्मदा हॉस्टल में रहते थे हम। तो पानी जो है, जिस लोग क्या करते थे, अपना दरवाजा हॉस्टल में लगा के और चले जाते हैं नीचे मेस में खाना खाने, लॉक नहीं करते हैं। जेएनयू में अधिकतर लोग कमरा अपना लॉक नहीं करते हैं, अनलेस अंटिल वो फैकल्टी जा रहे हों या लाइब्रेरी जा रहे हों कि भाई अब 4-5 घंटे नहीं रहना है, तो वो लगा के चले जाते थे। और बच्चों की आदत भी होती थी बाकी छात्रों की कि खोल के देखा कोई नहीं है, वापस दरवाजा लगाया, चले गए। तो हम लोग क्या करते थे कि अगर 8-9 बजे उठे हैं और पानी जा चुका है, लेकिन अब दैनिक क्रियाएं तो करना है, तो कहीं से 3-4 मग्गे पानी का इंतजाम हो जाए। तो देखते थे कि किसके कमरे में कोई नहीं है, और उन कमरों के अंतिम छोर पे होती थी बालकनी, जहां पे बाल्टी में वो आधी बाल्टी पानी रख जाया करते थे बच्चे अपने बाल्टियां भर के। हाँ, तो उसमें से 2-4 मग्गा पानी गायब करना, 2 मग्गे से निपटान की व्यवस्था, और बाकी 1-2 मग्गे से कुल्ला उल्ला करके मुंह धो के और काग स्नान करके तब अपनी अपनी दिशाओं में आगे बढ़ना। तो ये हम लोगों ने बहुत देखा है जेएनयू में, पानी की चोरी बहुत व्यापक चोरी है। मैं लाख छुपाता हूं लेकिन अशकों को रोक नहीं सकता, एक कर्ज चुकाने की खातिर ये कुछ लम्हों की चोरी है, बस यूं ही समझ ले यार मेरे, ये शाम मेरी कमजोरी है। क्या बात, शाम होते ही जो है ना। और इसमें ये भी है कि जिसकी जमीन मुझे बड़ी अच्छी लगी कि चोरी करना काम बुरा है, छी छी छी। चोरी करना काम बुरा है, छी छी छी, लालच का अंजाम बुरा है, छी छी छी, सुस्ती एक दिन सड़कों पर ले आती है, 8 पहर आराम बुरा है, छी छी छी। ये अताउर रहमान तारिका है, और आराम पे हमें आगे बात करनी है, नींद पर। लेकिन उससे पहले बिजार स्टोरी, अपने चोरी में कृष्ण का नाम नहीं लिया गया है, वो लेना जरूरी था, वो था मेरे उसमें, लेकिन चूंकि लंबा हो गया। माखन चोरी जो है, हाँ, और माखन चोरी ही नहीं, उन्होंने वस्त्र भी चुराए हैं, मक्खन भी चुराए हैं, दिल भी चुराए हैं। तो चोरी के मामले में, और युद्ध में उन्होंने शपथ चुराई है, वचन चुराए हैं। तो बहुत कमाल के कैरेक्टर वो, जैसे हमने शिव पर कभी बात की थी वैसे कभी कृष्ण पे बात होगी। हाँ, चित चोर की बात किसी दिन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बिजार स्टोरी ये कि एक महिला ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बड़ा अलग तरह का बदला लिया। उसने उसके बॉस से शिकायत कर दी कि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो अपना काम जल्दी खत्म कर लेता है और उसके बाद वो दिन भर मीम्स देखता रहता है ना। तो किन्ना सोड़ा ये मीम बनाया सी जी करे देखदार वहां। तो मतलब कहानी ये है कि रेडिट पर एक व्यक्ति ने एनोनिमस अपना नाम बताए बिना ये कहानी लिखी और फिर वो तमाम वेबसाइट्स पे छपी। एक आदमी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था कोविड के टाइम पे, तो इस दौरान वो अपने काम में काफ़ी स्किल्ड हो गया। मतलब वो बहुत जल्दी अपना काम कर लेता था, जल्दी से रिपोर्ट्स तैयार कर लेता था, एफिशिएंट हो गया था। उसने कुछ तरीके ऐसे ईजाद कर लिए थे जिससे वो 8 घंटे का काम 2 घंटे में निपटा लेता था। कुछ ऐसा उसने टूल बना लिया था, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग वगैरह करके, जिससे उसका जो कैलकुलेशन वगैरह थी वो जल्दी हो जाती थी। तो अब भाई ने वो एक दिन ये तरीका अपनी गर्लफ्रेंड को बता दिया कि मैं ऐसा करता हूँ, बाकी टाइम अपना मज़े करता हूँ। और कुछ समय बाद जो है लड़की से उसका ब्रेकअप हो गया। तब लड़की ने लड़के के बॉस तक ये बात पहुँचा दी कि ये जो आपका एम्प्लॉई है ये काम जल्दी ख़त्म करके टाइम पास करता है। तो उस आदमी का कहना है कि जब ब्रेक में एक बार वो स्मोक करने बाहर गया था तो उसकी गर्लफ्रेंड ने, जो स्काइप होता है ना, स्काइप के जरिए उसके स्क्रीन टाइम और एक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया था। तो सबूत भी जमा कर लिए थे उसने कि उसने कितने देर सोशल मीडिया देखा है, कितनी देर गाने और यूट्यूब देखे सुने हैं। और ये सारे रिकॉर्ड्स उसने बॉस को और एचआर को भेज दिए। अब वो आदमी अफसोस कर रहा है कि उसे अपना ये सीक्रेट शायद किसी से शेयर नहीं करना चाहिए था। और उसका ये भी कहना है कि अब उसकी नौकरी चली गई है। लेकिन आप लोगों से ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या दिक्कत है इस बात में कि अगर कोई 8 घंटे का काम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में निपटा ले रहा है और उसके बाद वो मीम्स देख रहा है या कुछ और देख रहा है, क्या ये इसमें कुछ समस्या है? समय में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि उस बेचारे की गलती इसमें है ही नहीं जो नौकरी खो बैठा। और उस संस्थान को समझना चाहिए कि भाई अगर काम हो गया तो उसके बाद में क्या संकट है आपका। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 9 घंटे में कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं। 9 घंटे बैठे रहेंगे, हाँ 9 घंटे काम करते हुए वो बेकार के बेकार रहते हैं। ये लोग ठीक उन्हीं बच्चों की तरह होते हैं जिनकी अटेंडेंस 100% होती है और 5 सेकंड डिवीजन होते हैं। उस तरह के उन लोगों से तो अच्छे वो लोग हैं जिनकी अटेंडेंस कम है लेकिन अव्वल आए हैं क्लास में। तो अगर कोई 4 घंटे में 5 घंटे में अपना काम निपटा रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। और बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं, मतलब हम लोगों का धंधा अगर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि खबर तो कभी भी 4 घंटे में नहीं की जा सकती क्योंकि खबर हमेशा आ रही है, उसका फ्लो लगातार बना है। पुलिस वाला ये नहीं कर सकता है कि नहीं मैंने आज 50 चालान काट लिए, मेरी ड्यूटी खत्म। उसकी तो मतलब क्योंकि गाड़ियां तो वायलेशन करती जा रही हैं और वो होता जा रहा है। तो कई सारे प्रोफेशंस में ये है। बैंकर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको 5 बजे तक बैंक खोले रखना है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन कई सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो कि MBA वाले लोगों के काम हैं या IT सेक्टर के काम हैं कि जिनको कोडिंग करनी है और उनको पता है कि उनको आज इस प्रोजेक्ट पे इतना काम करके आगे दे देना है, फिर दूसरा आदमी इसका अगला हिस्सा करेगा। तो उसमें वो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब उन्होंने अगर अपने तय समय से कम समय में उस काम को पूरा कर लिया है तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना कि आपके पास अच्छे हैंड है। बॉस ने गलत किया। लेकिन वो आपने वो मीम देखा, एक वो जो ऑफिस में नेटफ्लिक्स देखने वालों के लिए है कि एक मीम है जिसमें बॉस बोलता है एक एम्प्लॉय से कि यू आर फायर्ड। तो एम्प्लॉय अपना नेटफ्लिक्स पॉज करके पूछता है बट वाई। एक तो मैं सबसे पहले बोलूंगा जय मीम। जय मीम, जय मीम। हाँ, क्योंकि मीम ऐसे हैं जो बहुत, मीम एक ऐसी चीज है जो सोशल मीडिया पे बहुत एडिक्शन ला सकती है। अरे हम तो आजकल रील मीम में ही हैं। तो अगर आप अपना काम जल्दी समेट सकते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको मीम देखना है तो ये अच्छी बात है क्योंकि काम जल्दी हो गया। नहीं तो उसी काम को आप 4 घंटे में करते, क्योंकि आपको कोई मीम देखना होता नहीं, आप हैं बहुत सीरियस टाइप के आदमी तो आप देखते रहते। ऑफिस में यही हमेशा मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को, और मैं समझता हूँ ये बुरी परंपरा नहीं है कि ऑफिस में बहुत सारे लोग ना यूजलेसली बिजी भी रहते हैं। उनको बहुत बिजी पाएंगे आप क्योंकि वह अपने काम को बहुत स्लोली, बहुत आराम से निपटाते हैं और उनको ये रहता है कि मैं यहाँ 8 घंटे हूँ तो प्रोडक्टिव रहूँ। अपने आप को प्रोडक्टिव रखते हैं। जूम के जमाने में तो मैं सही बता रहा हूँ, घर में जब मैं काम कर रहा था तो मैं ज्यादा काम करता था। घर में ना लंबे घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि आपको कोई आइडिया, कोई जल्दी नहीं है ना कहीं जाने की। ऑफिस से ये होता कि यार अब 7:30-8 बज गए हैं, अब चला जाए, तैयारी की जाए, जो कि घर में होता नहीं था। तो घर में आप 9 बजे तक भी काम कर रहे हैं, एक तो एक घंटे की बचत भी होती है आपकी, ट्रैवल ये सब इत्यादि। तो ऑफिस में बिजी रहना आजकल के जमाने में वैसे बहुत यूजलेसली बिजी रहना बहुत कठिन है, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत है हर जगहों पर। जहाँ पे 100 लोग होते हैं वहां पे 70 लोग हो गए, 30% काम बढ़ गया है और लोग कम हैं। हम लोग तो खैर ऐसे बिजनेस में है जिसमें कि मैं मतलब सोशल मीडिया भी देख रहा हूँ तो सही बताता हूँ काम ही कर रहा होता हूँ, मेरे काम का हिस्सा है वो, उसको मैं नकार नहीं सकता क्योंकि उस पर भी नजर रखनी पड़ती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या बात चल रही है, लोग किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब जब फुर्सत मिलती है मैं खुद सोशल मीडिया देखता हूँ। मैं एक ही सोशल मीडिया देखता हूँ, वो है ट्विटर। बाकी और मैं केवल फेसबुक देखता हूँ और इंस्टा। फेसबुक पे चूंकि बहुत सारे वो लोग आ गए थे, मतलब परिवार के, यहाँ वहाँ के मित्र, तो उनके पोस्ट भी देखने पड़ते थे और वो जो है उसमें टाइम जाया हो जाता था। आप कुछ टाइम के लिए तो थे फेसबुक पे, मुझे याद है, मतलब जब ट्वीट्स करते थे वो फेसबुक पे दिखते थे। मैं काफी दिनों तक फेसबुक पर था, पर फेसबुक पे वही हुआ कि वो आप देखने भी लगते हैं। अभी मेरे ख्याल से 3-1 साल से नहीं था वो। हाँ, 3-1 साल हो गए मैंने निपटा दिया एक ही दिन में। मैंने सोचा उसको डीएक्टिवेट करने से कुछ नहीं होगा, खत्म ही कर दो, अकाउंट ही डिलीट कर दो, तो कभी फिर लालच नहीं आएगा। पर जैसे इंस्टाग्राम है, अभी मैं बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम मैं काम से देख रहा हूँ, है ना, और इंस्टाग्राम वैसा है नहीं जिसमें बहुत सारा काम हो, तो बहुत बार मैं उलझ जाता हूँ। वो तो एक ब्लैक होल है ना, उसमें अगर घुस गए आप तो फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो मैंने ये रियलाइज किया कि इंस्टाग्राम भी मेरे बस की बात नहीं है, उसको भी जय जय मतलब नमस्ते राम राम करने वाला हूँ। पर ऑफिस में एक मर्यादा ये होती है कि चूंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और आपका काम 2 घंटे में हो गया पर बाकियों का नहीं हुआ है, उन पर इस बात का दुष्प्रभाव पड़ता है। या तो उनको जेलसी होती है या उनको उनके मन में एक क्षोभ होता है कि ये आदमी तो एंजॉय कर रहा है, ये आदमी तो नेटफ्लिक्स देख रहा है। इवन इफ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, आपने तो कर लिया है, आपके पास टाइम है अब, लेकिन बाकी जो लोग होते हैं उनको लगता है कि यार ये एंजॉय कर रहा है और हमें काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका काम ऐसा नहीं है शायद, या उनके पास वो स्किल्स नहीं है कि वो 2 घंटे में 8 घंटे का काम निपटा सके। तो उस लिहाज से वर्क प्लेस की मर्यादा के अनुसार जो है आपको नेटफ्लिक्स नहीं ही देखना चाहिए। ताऊ ने एक शायद किस्सा सुनाया था, या पता नहीं किसने, शायद ताऊ नहीं, कि कैसे कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं और दिन भर काम कर रहे होते हैं। तो उसमें यह है कि एक आदमी सवेरे सवेरे निकला तो उससे कहा गया कि अरे तरकारी नहीं आई है, घर में शादी है, तुम बैठे हुए जाकर सब्जी ले आओ। वो सब्जी लेने निकला तो रास्ते में फिर किसी का घर पड़ा, तो उसने कहा अरे तुम कहाँ जा रहे हो, अरे ये थाली तुरंत जानी थी, भी दोपहर वाली पूजा में लगनी है, ये लेके घर चले जाओ। रास्ते में फिर घर का ही कोई लड़का मिल गया जो सामान लेने जा रहा था कि अबे साले थाली लिए कहाँ जा रहे, बाइक पीछे मोटरसाइकिल पे, वहाँ से खोवा लेके आवे का है ना, खोवा लेने गए हुए हैं। तो रास्ते में फिर उनको ध्यान आ गया कि तुम ऐसा करो कि तुम उसके यहाँ चक्की पे पहुँचो, हम आते हैं, है ना। चक्की पे वो बैठा हुआ था, तो उधर से जो लड़की का बाप है वो निकला, कहा तू साले यहाँ बैठा है, घर पे इतना काम पड़ा भाई पीछे, उसको बैठा के घर ले आए, है ना। घर पे लेके आते वो थाली कहाँ है, तो थाली तो हम उनको दे दिए थे, वो पहुंच रहे होगी। अच्छा छोड़ो तुम जाके कपड़ा प्रेस करा के ले आओ। कपड़ा प्रेस कराने गया तो फिर उसको कोई पकड़ लिया कि, तो वो दिन भर में उसने टास्क कोई पूरा नहीं किया, लेकिन वो शादी के दिन भरभंड बिजी रहा। मतलब आप सोचिए 12 घंटे की शिफ्ट किया और टास्क उसका एक भी पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह के लोग भी है। पर मीम्स आप लोग वैसे देखते हैं, मतलब ताऊ ने तो बताया, बाबा आप देखते हैं मीम, कोई ऐसा मीम आपको बड़ा पसंद हो, याद रह गया हो ऐसा कोई मीम? कुदाल कामरा के सारे मीम्स मुझे पसंद आते हैं। कि दिन भर में 3-4 बढ़िया चीजें छोड़ देता है कि अब ये किसने किया। कुछ बनाता है ना, और उसके बाद कहता है कि अब ये किसने किया। लेकिन मीम और रील, ये जो रील वाला भी चला था ना, शॉर्ट वीडियोज वाला, ये मेरे लिए आजकल शीन काफ निजाम टाइप हो गए हैं। तो यही मेरे आजकल के शीन और काफ है। इन्हीं से। अरे आप खोजिए, हिंदी में इतने बढ़िया मीम्स हैं, अब लोग हिंदी में बनाने लगे, कविताओं में मीम। जैसे एक मीम चला था, पता नहीं ओरिजिनली कहाँ से था, जिसमें पहली पिक्चर में एक कपल कार में जा रहा है, लड़का ड्राइव कर रहा है, लड़की बगल में बैठी है, और दूसरी पिक्चर में लड़के ने लड़की को उतार दिया है गाड़ी से। तो उस पर अलग अलग टेक्स्ट लोगों ने लिख के मीम बनाया। तो एक ये भी बनाया था, उसमें पहली पिक्चर में लिखा है, लड़का बोल रहा है दो न्याय अगर तो आधा दो, तो लड़की बोलती है बस करो यार। और उसके बाद नीचे लड़का बोलता है, जिसमें लड़की नीचे उतरी हुई है, पर इसमें भी यदि बाधा हो। तो उसने उसके बाद लड़की को उतार दिया है। तो वो साहित्यिक मीम्स भी आ गए बड़े। और मीम्स के साथ ये कि जिस तरह का मिजाज है लोगों का, अलग अलग हर तरह के लोगों के लिए मीम्स उपलब्ध हैं। मैं विद्या भारती के स्कूल से पढ़ा हूँ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शैक्षणिक संस्था है। तो मैंने एक दिन ऐसी गूगल करते करते देखा और पाया कि विद्या भारती मीम्स हैं। तो वहाँ जो कल्चर है, संस्कृति वहाँ जो है बातचीत की, आचार्य जी और वो, उस पर मीम्स हैं। हाँ, खोया पाया विभाग और वो सारी चीजों को वो लोग मीम्स में लेकर के आए। तो बड़ी मजेदार मीम्स की दुनिया है। तो मीम्स तो खैर हॉट फेवरेट है ही। बिल्कुल। और जिस तरह की परिस्थितियां हैं राजनीतिक, जिसमें कि बहुत कुछ कहना सुग्राह या गवारा नहीं रहता है लोगों को, मीम्स ज्यादा बेहतर तरीके भी हैं, क्योंकि मीम्स को लेकर के आप कचहरी पहुंचेंगे तो जज भी कहेगा कि यार कार्टून तो है, कायल परेशान हो रहे हो। तो अभी क्या हो गया है कि बहुत सारा हमारा एंग्जाइटी या जो हमारा डिप्रेशन या हमारा जो प्रतिरोध है, वो मीम्स के मार्फत व्यक्त कर दिया जाता है। और मुझे लगता है कि इस लिहाज से समाज जो है परसाई हुआ जाता है, जिसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, अब एक ब्रेक ले लेते हैं तीन ताल में, और ब्रेक के बाद आगे बात है नींद पर। नींद क्यों रात भर नहीं आती? क्या बात है? आज तक रेडियो, aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, JioSaavn जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहाँ पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। वेलकम बैक टू तीन ताल। आज तक रेडियो का ये वीकली पॉडकास्ट है जो आता है हर शनिवार को, और जिसे आप सुन सकते हैं आज तक रेडियो की वेबसाइट पर, गूगल पॉडकास्ट पर, एप्पल पॉडकास्ट पर, स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर भी। तो तीन ताल के इस हिस्से में हम नींद पे बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों को आती है, कुछ का बस चले तो 18 घंटे रोज सोएं, कुछ लोगों को नहीं आती है। पर पहले ताऊ और बाबा के टिप्स लेंगे बहुत संक्षेप में। दो तरह के लोगों में अगर दुनिया को बांटें तो एक होते हैं सोने के लिए जीने वाले, भयंकर नींद प्रेमी, और एक होते हैं जीने के लिए सोने वाले, कि काम चल जाए बस किसी तरह। तो ताऊ, आप किस कैटेगरी में खुद को रखते हैं? कैसी नींद लेते हैं आप? मैं कभी भी नींद से प्यार नहीं किया मैंने, और एक उम्र थी कि बहुत कम सोता था, 3-4 घंटे सोकर मैं निपटा देता था, क्योंकि बिजी बहुत रहता था, है ना। जवान था तो यहाँ वहाँ जाना, दोस्तों के यहाँ, ऐसे वैसे 12-1-2 बजे आना, फिर सुबह 6 बजे उठ जाना, बिकॉज आपको 7-7:30 बजे तक काम शुरू करना है। अब जो है नींद बहुत आती है, और अच्छी आती है। मेरे साथ समस्या एक रही है जो कि मैं क्या बोलूँ उसको, कि मुझे सपने आते हैं बहुत। सपने आना बुरी चीज नहीं है, पर सपने मुझे याद रहते हैं, और मेरे सपने जो हैं वो सीरियल की तरह होते हैं। अगर मेरी रात में नींद खुलती है तो जहां पे रुका था सपना, फिर नींद लगने पर वहीं से शुरू हो जाता है। तो जो इवेंट है वो प्रॉपर रहता है। तो ये मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है एक्चुअली। मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ बहुत, तो मैंने सलाह भी ली है 1-2 लोगों से। वो नींद जो है कच्ची होती है बहुत। तो सपने वाली नींद, एक नींद होती है जिसमें कि आपको खबर ही ना हो कि आप सोए थे, वो नींद सबसे अच्छी होती है। और मतलब जो फाइनल नींद होती है लोगों की, वो तो मृत्यु होती है। लेकिन बाकी नींदों में वो नींद बहुत अच्छी होती है, जिस दिन आपको सुबह कुछ याद ना हो कि आप नींद में थे तो क्या हुआ। इसको कहते हैं घोड़े बेचकर सोए। हाँ, अभी क्या होता है कि हालांकि मैं सुबह जो है पूरी कहानी नहीं कह सकता जो मेरे रात में घटित होती है मेरे दिमाग में, पर रात में वो बहुत अलर्ट रहता है। तो मैं 2-3 बार अगर उठा भी तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहां से, कि जैसे कार चल रही थी और अभी लुधियाने पहुंची है, तो मैं फिर से जब सोऊंगा तो वो लुधियाने में होगी और फिर वहां से चलेंगे अपन। तो वो बहुत कठिन होती है। वो सोना जो है मैं वो पुरानी वाली ढूंढने आपको सोने की जांच नहीं, आपको जगने की जांच करनी चाहिए कि आप वाकई जगते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप जगे हैं। हाँ हाँ, ये भी है। क्योंकि लोगों को नींद में संदेह होता है कि वो जगे थे, लेकिन वो वास्तव में जगे हुए नहीं होते। मैं चूंकि बाथरूम जाने के लिए जगता हूँ तो मुझे वो लगभग रोज उसका एहसास रहता है। हाँ, लेकिन उसमें नींद जाती नहीं है, ये एक हैबिट का हिस्सा है जिसमें कि आप नींद में बाथरूम तक जाते हैं और बाथरूम से फिर वापस आके वापस सो जाते हैं। मैं जैसे दिन में कभी नहीं सोता था, और दिन में सोने वालों को तो मैं सोचता था कि मतलब दिन में कैसे सो सकते हैं लोग, कैसे इन्हें नींद आती है, और अब मैंने देखा है कि मुझे नींद दिन में आती है और मैं सो सकता हूँ और बड़ी अच्छी तरीके से सो सकता हूँ। दिन की नींद की क्वालिटी मेरी एक्चुअली रात की नींद की क्वालिटी से बेहतर है, जो मैं सैटरडे संडे को हो जाता है। और नींद में देखिए, नींद आना जापान में जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन लोग माने जाते हैं दुनिया के, उन्हें वहां अगर कोई दफ्तर में झपकी लेता है तो उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वहां पे इस बात माना जाता है ये बहुत मेहनत करता है तभी तो इसको नींद आती है। वहां उसको लेजी नहीं माना जाता। हमारे यहाँ माना जाता है यार दफ्तर में सो रहा है बंदा। तो वो देश जहाँ पे एक सेकेंड की देरी पर आदमी मतलब आत्महत्या कर लेता है ना, वहां पे भी नींद की बड़ी इज्जत है। नींद में कि कोई आदमी अगर सो जाए तो मानते हैं कि वह मेहनती आदमी है, इसीलिए उसको नींद आ रही है। पर हमारे यहाँ जैसे आप दफ्तर में जिसको पावर नैप बोलते हैं, बहुत सारी जगहों में माना जाता है कि 10 मिनट की नींद जो है वो लगभग रात, दिन की जो 10 मिनट की नींद होती है वो रात के 7-8 घंटे की नींद के बराबर हो सकती है। उसको जिसको पावर नैप कहते हैं लोग, कि आप दिन में एक बार हल्की सी नींद ले लो प्रॉपर, और फिर उठकर काम करो एकदम तरोताजगी के साथ, एक चाय के साथ, कॉफी के साथ। वो वाली मुझे सुविधा भारत के किसी दफ्तर में मिलती नहीं है कि आपके पास कोई जगह हो जहां आप पावर नैप ले सके, नहीं तो आपको सभी लोगों के सामने खर्राटे मारने पड़ेंगे। पावर नैप मैंने जब लेने की कोशिश की है, सर दर्द के साथ उठाऊं, मतलब मेरा कभी भी पावर नैप से बन नहीं पाया हिसाब। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वही हाल है कि अगर पावर नैप की स्थिति, एक तो मैं जो ताऊ वाली स्थिति है उसमें बहुत सारी चीजें हमारी ताऊ की मिलती हुई है। मैं सुबह जल्दी जग जाता हूँ क्योंकि बचपन की ट्रेनिंग वही रही है, माता जी कोट के जगाइन है, तो वो भूत गया नहीं है। तो 2-3 बजे सो के भी 6:30-7 बजे तक हर हालत में जगी जाते हैं और जग के एक्टिव रहते हैं। कई लोग जगने के बाद भी, लोग कहते हैं ना कि जग गए हैं, तो हम पूछते हैं कि आप जग गए हैं कि उठ गए हैं। क्योंकि जगे से उठे के बीच में भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको 1-2 घंटा लग जाता है जगने से उठने में कन्वर्ट होने में। वीकेंड पे मुझे भी लगता है। हाँ। तो उठे हुए लोग मुझे पसंद है, जगे हुए लोग नहीं। अरे दूसरा मेरी शायद दिन की नींद बाबा जो उसके जो प्रति घृणा होगी वो तब जगी जब हम गर्मियों में, हमारे यहाँ स्कूल में, हम हॉस्टल में रहते थे जो 10 कदम की दूरी पर था स्कूल से, तो हमारे यहाँ सुबह की क्लास होती थी गर्मियों में, मई महीने में। तो फिर वो क्लास खत्म हो जाती थी, तो फिर लंच होता था, उसके बाद आपको स्कूल नहीं जाना होता था, उसके बाद आपको सोना होता था, और नहीं सोने पर मार पड़ती थी। ठीक है, तो वो बहुत बुरा था क्योंकि अब कैसे सो सकते हो आप। एक जैसे उस साल ऐसा था, मुझे जो याद है, हम हॉल में सोते थे, है ना। उस समय हम कमरों वाले में ग्रेजुएट नहीं हुए थे, जो 9वीं 10वीं में होता है, तो ये 8वीं की बात होगी। तो 4 मिट्टी वाले में रहे। हाँ, हॉल में सोते थे सब, ढेर सारे लोग हैं। अब क्या होता था, मन में ये इच्छा होती थी कुछ खेलो यार, है ना। हाँ, तो उस समय टीचर एक राउंड पे आते थे, एक स्वराज सिंह थे, बहुत ही जबरदस्त। उनके पास खजूर की बेत होती थी, खजूर की जो होती है ना, बहुत खतरनाक। और वो जो जगे होते थे उनको पीट देते थे बहुत ज्यादा। तो कुछ लोग तो कभी कभी मुद्राएं चेंज कर लेते थे, जैसे आहट आई तो सो गए, है ना। लेकिन मैं एक बार क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था इस तरह से कि मैं सीधा नहीं कर पाया पैर को, तो मैं यूं ही लुढ़क गया, तो उन्होंने पकड़ लिया कि ये तो बिल्कुल अभिनय कर रहे हो। पद्मासन में कौन सोता है भाई। तो फिर आप और आपके नितंब भी जो है ना, वो तो छड़ी सीधा सीधा जो है मतलब तो लाल लाल। तो उसमें वो उससे घृणा सी हो गई दिन में सोने पर, क्योंकि वो नहीं। हम तो ताऊ ये मानते हैं कि अगर सूरज निकल आया है तो आदमी सो कैसे सकता है। जब तक सूरज बाहर है तब तक आप सो कैसे रहे, क्योंकि वो तो हमको लगता है कि इंसान जो है वो सन से चार्ज होता है, तो अगर सूरज भगवान जगे हुए हैं तो आप भी जगे रहिए। अवध में इसी को मतलब माताएं ऐसे बोलती हैं, वाकई मुहावरा है ये वाली बात जो आप कह रहे हैं कि चुतरा पर घाम परत बा ये अबले सोवत हाँ। नहीं, वो तो उनके लिए जो सूरज से मुंह छुपा करके देर तक सवेरे सोने वाले होते थे ना, कि चरपैया पे सो रहे हैं खुले में या अटरिया पे सो रहे हैं छत पे, लेकिन अब धूप लगनी शुरू हो गई चेहरे पे, तो वो क्या करते थे कि घूम करके और अपना मुंह छुपा लेना है, हाँ, और अपने पश्चभाग को ऊपर कर देना है ना, तो गोले के मुकाबले में गोला कर देना है ना। कालिदास की तरह एक सूरज ने एक गोला दिखाया तो हम दो गोले दिखा देंगे। वो वाली जो प्रवृत्ति है उसके तहत वो पैदा हुआ। मुझे लगता है कि दुनिया में दोनों ही लोग बहुत खतरनाक हैं। एक वो जो जीने के लिए सोते हैं, क्योंकि ये लोग दुनिया को हलकान किए रहते हैं। ये 4 घंटे सोते हैं और 20 घंटे ये दुनिया के लिए बिस्तुइया बने रहते हैं। और दूसरे वो जो सोने के लिए जीते हैं, वो सोते ही रहते हैं और कभी भी सो लेते हैं। हमारे एक मित्र हैं, आजकल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल, वो और हम डीटीसी की बस में चढ़ा करते थे 2-2 रुपये का टिकट कटवा करके। तो वो बस का खंभा पकड़े, वो ऊपर वाला जो रॉड होता है हाथ जहाँ पे लोग टांग के पकड़े रहते हैं, उसको पकड़े पकड़े वो आदमी सो लेता था। सोने में इतना दक्ष, कभी भी सो सकता है। अभी कह दें अरविंद से कि आप सो जाइए तो वो 5 मिनट में सो जाएंगे। तस्वीरें हैं जो कि वो सोफे पे यहाँ वहाँ सोए हुए, हाँ हाँ, और वो जगह जगह सोते हुए आपको मिलेंगे। तो अनशन पे सो रहे हैं, फुटपाथ पे रजाई में जाड़े में सो रहे हैं, इस तरह के उनके सोने के कई तरह। नींद आई थी एक बार बहुत पहले तो गाड़ी साइड में लगा के रेल भवन के सामने वहीं पे सो गए थे। हाँ, वहाँ भी सो गए थे। तो वो उनके सोने के दृश्य जो है बहुत विचित्र किस्म के हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये दोनों ही किस्म के लोग जो कभी भी सो लेते हैं या सोने के लिए जीते हैं या जीने के लिए जो सोते हैं। एक सज्जन और हैं जो कि 18 से 20 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे सोते हैं। उन्होंने भी दुनिया को हलकान कर रखा है, देश को तो कर ही रखा है। एक और हैं जो विपक्ष में काफ़ी युवा नेता के तौर पर देखे जाते हैं, उनकी नींद ही नहीं खुली है लगता है, वो अभी सो ही रहे हैं। 2019 से ही उनकी नींद नहीं खुली है। तो इस तरह के लोग 2014 से। और लोकसभा में सोने के दृश्य तो कभी भूल ही नहीं पाएंगे। हर लोकसभा के सत्र में सोते हुए लोग सो रहे होते हैं, एकदम सामने आदमी बोल रहा है चिल्ला चिल्ला कर, पीछे आदमी को कोई खबर नहीं है। हाँ, वो तोमर, क्या नाम है उनका, तोमर, हाँ, सोने में उनके जैसा कलाकार बहुत कम मिलेगा। और दूसरे एक अच्छे प्रधानमंत्री देवेगौड़ा और नरसिम्हा राव भी झपकी लेते थे, ये भी सोने के मामले में दक्ष हैं अपने। अरे हिमाचल के अपने राजा जी वीरभद्र, हाँ, बहुत जबरदस्त। तो ये सब सोने के मामले में बहुत दक्ष रहे हैं। बाबा ने वो जो केजरीवाल की बात की, मुझे बड़े भैया की, जिसकी कहानी मैंने विभाग बुधवार में कही थी, उनकी याद आ गई। बड़े भैया को क्या है, बड़े भैया सो लेते हैं जैसे गाड़ी में, उनको ट्रेन में, बस में, ऑटो में, आप कहीं पे भी चलती हुई में चढ़ा दो, ठीक है, गाड़ी चलेगी वो सो जाएंगे। वो खंबा पकड़ के सो सकते हैं। वो उनको चलती हुई गाड़ी में उनको कहीं पे ले जाना बहुत मेरे लिए रहता है कि अगर मैं वो मेरे साथ गए तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, क्योंकि वो चलती हुई गाड़ी में ताऊ हमारे रोए कांप गए थे। हरियाणा रोडवेज़ की बस से हम आए धौला कुआं जयपुर से, जो रेगुलर रोडवेज़ की बसें होती हैं, और वो धौला कुआं 4.5 घंटे पहुंच जाती है जयपुर से, और दिल्ली पहुंच जाती है 5, 5.5, 5.25 घंटे में। हाँ, हरियाणा रोडवेज की स्पीड, हाँ, तो बहुत ही खतरनाक। तो वो दूसरे ड्राइवर से धौला कुआं में रुक करके बाहर उतरा, अपनी उससे गद्दी से उतर के, और दूसरे ड्राइवर से बात कर रहा है। और हम प्रायः कोशिशें करते हैं कि ड्राइवर के साथ वाली सीट पे, जो आगे सामने देखते हुए चलने वाली आदत है बस में भी, तो बोनट के साथ वाली सीट वो हमारी सबसे प्रिय सीट है। तो वहां से तो मैं सुन पा रहा था कि वो क्या बात कर रहा है। तो वो दूसरे ड्राइवर को बता रहा था कि हाँ, 1 घंटे की नींद तो पूरी हो गई। तो मुझे लगा कि ये बस चलाते चलाते 1 घंटे सो लिया है मतलब ये आदमी जो है। उसके बाद तो मेरे रोए खड़े हो गए थे कि ये हुआ क्या है, मतलब ये क्या सुन रहा हूं मैं। फिर हमने उससे पूछा, मुझे लगा कि नहीं ये पहले सोया होगा फिर इसने बस चलाई होगी। तो हमने कहा आप बस चलाते हो? उसने कहा हाँ, मैं तो झपकी ले लेता हूँ अपना, और आज तक नहीं हुआ, मैं तो 20 साल से ऐसे कर रहा हूँ। तो हम उस वक्त मेरी मतलब मतलब काटो तो खून नहीं वाला जो मुहावरा है ना, वो उसी क्षण के लिए लिखा गया था। ड्राइवर की नींद वैसे सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक होती है। जो लोग जब ड्राइवर सो जाता है तो अच्छे अच्छे सो जाते हैं। दो ही शेर हैं जो मैं अभी याद कर रहा हूँ, है ना, कि नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनके आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं, है ना। और शेख करता है जो मस्जिद में खुदा के सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। और दूसरा मुझे जो ताऊ कह रहे थे कि आखिरी नींद, उसमें जगजीत सिंह की गाई हुई एक गज़ल है और वो मुझे बहुत पसंद है और मैंने खूब गाई सुनाई है दोस्तों को। शब फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों अब तो सोने दो, कभी फुर्सत कर लेना हिसाब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। मुझे लगता है क्योंकि मैं कई मुस्लिम परिवारों में मिट्टी के वक्त जनाजे में शामिल रहा हूँ, कब्रिस्तान जाता रहा हूँ, और कब्रिस्तान में कच्ची कब्र बनाई जाती है आदमी को तोपने के बाद में, दफीने के बाद में, वहाँ पे आखिरी फातिहा पढ़ के, और फिर बेर या किसी कटीली झाड़ को उसके ऊपर रख दिया जाता है। और कहा जाता है कि इससे दूषित आत्माएं वहाँ पे नहीं आएंगी, जबकि हकीकत यह है कि कब्र बिज्जुओं से एक तरह का प्रोटेक्शन है वो, कि इस तरह के जो कब्र खोद देने वाले जीव हैं वो हमला ना करें, कांटों की वजह से वो भाग जाएं। और 40 कदम चलने के बाद में कहा जाता था कि पलट के नहीं देखना है, क्योंकि अब फरिश्ते उतर आए होंगे और अब उनका हिसाब किताब शुरू हो गया होगा। तो ये किस्सा सुनते सुनते हम बड़े हुए, और फिर उसके बाद में जब ये गजल सुनी तो मुझे लगा कि यार ये जो आदमी मरा है कह तो सही रहा है। मरने के बाद लोग छाती पीटते रहे उसके कानों पे, और उसकी छाती पे अपना माथा रख के रोते रहे, उसके पैर और माथा पकड़ते रहे, इतने लोग बटुरियाए, शोरगुल, मतलब मरने के बाद भी इतनी चिल्लाहटा में वो आदमी रहा। और उसके बाद उसको लाद के टांग के इतने सारे लोग लेके गए, और अब जब वो दफन हो गया है तो तुरंत फरिश्ते आ गए। मतलब कहीं तो कभी तो मतलब उसको चैन लेने दो यार मरे हुए को। तो इस वजह से इस शेर से बहुत मोहब्बत हो गई कि शब फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों अब तो सोने दो, कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब, आहिस्ता आहिस्ता। वैसे ये नींद ना आना अपने आप में वो भी बड़ी सजा है। मतलब ऐसे ऐसे किस्से प्रचलित हैं कि शीत युद्ध के समय जब सोवियत वाले किसी अमेरिकी एजेंट को शीत युद्ध हम और ताऊ पीड़ित हो गए थे, और ताऊ आपको बताएंगे पीयूष मिश्रा को यही बीमारी है, जो कलाकार, लेखक, कवि, लखनऊ में वो आए हुए थे ललन टॉप के कार्यक्रम में, और फिर हम लोग वीवीआईपी गेस्ट हाउस में एनएसडी के बच्चों के साथ बैठ करके बहुत देर तक हम लोग वहीं पे उनका एनर्जी लेवल तो अलग है, उनकी गलावटी कबाब और पराठे और क्या क्या खाते पीते रहे। और वहां से 1 बजे हमने कहा कि अब मुझे सोना है, और ताऊ ने कहा कि वो और ताऊ एक ही होटल में रुके हुए थे, तो ताऊ ने कहा कि चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। तो वो बड़ी मुश्किल से वहां से निकले, और उसके बाद फिर वो ताऊ के पीछे पड़ गया कि अभी कहाँ सोने जा रहे हो, बैठो, है ना। तो इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो बैठो, आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो। तो उस मोड में थे वो, अभी कहाँ जा रहे हो यार, जैसे वो बोलते हैं। हाँ हाँ, यार मेरे को दीदी जाती यार। तो वो तो मैं उनकी कभी कभी लगता है ना, मैंने कई उनका काम देखा है, और मैं उनकी एनर्जी से, क्रिएटिव एनर्जी से बहुत चकित रहता हूँ। उस रात मैंने ये अनुभव किया कि वो एनर्जी आती कहाँ से है। वो सोते तो अवश्य होंगे मनुष्य हैं तो, पर कभी भी आपको नहीं लगता कि उनका एनर्जी लेवल डाउन हुआ है क्योंकि सुबह के 4 बज रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उस समय भी अगर वो मूड में है तो फिर ऐसे लोग, बाय द वे, कुछ ऐसे लोगों को मैं, एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो नहीं सोते हैं, मतलब सो ही नहीं सकते, बहुत कठिन परिस्थिति है जीवन में उनके, वो नहीं सोते हैं तो वो लेट जाते हैं, आराम जिसको कहते हैं लोग, तो वो लेट जाते हैं, आराम कर लेते हैं, पर उनको नींद नहीं आती, और वो भयंकर। मेरी दादी बहुत वृद्ध हैं, और वो ये कहती हैं कि वो कई बरस से नहीं सोई, और इसके लिए वो ऐसा मतलब वो सुंदर भी है और भयंकर भी है जो मेटाफर वो इस्तेमाल करती हैं। वो कहती हैं कि जब राम बनवास गए रहन तब हम आखिरी दांव सोए रहन। तो वो ये कहती है कि उनकी स्मृति में उनकी नींद, प्रॉपर नींद आए हुए इतनी पुरानी बात हो गई है। आराम शब्द की खासियत यही है कि वो आराम को बुलाती है, आराम। अरे बाप रे, राम ना बुलाए। और कभी कभी राम सीरियस हो जाते हैं। हाँ हाँ, आ ही जाते हैं लिटरली। तभी लोग कह रहे होते हैं राम नाम सत्य है। लेकिन मैंने जब नींद नहीं आती थी, एक एंजाइटी का एक बुरा दौर था, और उसमें मैंने नींद लाने के लिए बहुत सारी ऑडियो स्टोरीज सुनी। और मतलब जब लगता था कि आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज कहीं भी नींद नहीं आएगी, तब मैं ऑडियो कंज्यूम करते हुए देर सवेर ही सही सो गया हूँ। कहानियाँ, कविताएं, वो किताबें जो पहले पढ़ी हुई हैं उनके पाठ कोई कर रहा है यूट्यूब पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, पॉडकास्ट्स। तो बस ईयरफोन ऐसा होना चाहिए कि आप करवट लें तो आपको चुभे नहीं। तो ये भी एक बहुत अच्छा जरिया मुझे लगता। मैं एक विचित्र बात जब शेयर कर रहे हो तो मैं भी कर देता हूँ। मैं बिल्कुल शांत हो सब कुछ तो नहीं सो सकता। मैं सो नहीं सकता। एक टेर चाहिए सोने के लिए। हाँ, तो मैं बचपन से मैं बाय द वे गाने सुनते हुए नहीं सो सकता। बहुत लोग म्यूजिक सुनते हुए सो जाते हैं, मैं नहीं सो सकता। मैं उसका कारण यह रहा है कि मैं बहुत छोटे समय में हॉस्टल में चला गया, फिर अकेला ही रहा हूँ, है ना। तो समझो एक तरह से कि 6-7 साल की उम्र के बाद से मैं अकेला ही रहा। तो ऐसा तो था नहीं कि मम्मी सुलाएगी या कोई घर में आपको बोलेंगे सो जाओ, सब बत्ती बुझाओ। तो बत्ती बुझा दो, पर मुझे कोई बोलता हुआ होना चाहिए। मैं आज भी कुछ ऑडियो लगा कर सोता हूँ, कान में ईयरफोन भी नहीं लगाता, मैं ऐसे सोता हूँ। मैं पहले रेडियो लगा के सोता था, स्कूल में और कॉलेज में रेडियो लगा के सोता था। BBC लगा दी रात में, कुछ अंग्रेजी फारसी कुछ भी बोल रहा हो, पर बोलते रहना चाहिए आदमी को। फिर मैं टीवी देखते देखते सो जाता था। और अभी मैं क्या करता हूँ, चूंकि मोबाइल फोन है और पॉडकास्ट हैं या कुछ आजकल स्पेसेस भी हैं, कोई देर रात में कोई स्पेस पे लगा के छोड़ दिया और सुबह पता चला स्पेस वाले ने कहा कि भाई साहब आपको 5 रिक्वेस्ट भेजे थे, आप आए नहीं। उन्हें क्या पता कि मुझे नींद आ चुकी थी। और मैंने वो भी किया है, ऑडियो बुक्स भी मैं चला देता हूँ। यूट्यूब पे कोई सुनने वाली बात जिसमें 2 लोग बात कर रहे हो या एक आदमी बात कर रहा हो, वो वाला लगा के स्क्रीन ऑफ करके मैं सो सकता हूँ, पर बिना हल्की सी बातचीत के मैं नहीं सो सकता। अब ये बुरी आदत हो गई है। ये कहाँ की रीत है, जागे कोई सोए कोई, रात सबकी है, सबको नींद आनी चाहिए। तो बिजार खबर अब ले लेते हैं एक। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से ये खबर आई है, जहां हिंदी का अखबार ना पढ़ पाने की वजह से एक व्यक्ति की शादी टूट गई। इसलिए नहीं कि उसको हिंदी नहीं आती थी, बल्कि इसलिए कि उसकी नज़र कमज़ोर थी। दूल्हा पक्ष के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। तो बिना चश्मे के नहीं पढ़ पाना जो है उसके लिए अभिशाप बना। अर्चना और शिवम की शादी तय थी, और जो अखबार में खबरें छपी हैं उसमें दहेज के भी ब्यौरे हैं कि मोटरसाइकिल और नकदी वगैरह चढ़ाई गई थी। इसके बाद तय तारीख को जब बारात घर पर आई तो दूल्हे ने इस दौरान लगातार पूरे समय नज़र का एक मोटा चश्मा लगाए हुए था। ये बात लड़की पक्ष को पहले से नहीं मालूम थी कि लड़का चश्मा लगाता है। तो फिर घर की महिलाओं को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा या संदेह हुआ, और द्वारचार जो होता है, द्वार पूजा, उसके दौरान जो शादी कराने वाला बिचौलिया था उससे ये मैसेज भिजवाया गया कि भैया तनिक चश्मा तो हटवाइए। और चश्मा हटवाया गया, और उसके बिना जब मांगलिक कार्य करने को उससे कहा गया तो ये मालूम हुआ कि लड़का चश्मे के बिना ठीक से देख नहीं पाता है, काफ़ी ज़्यादा नज़र उसकी कमज़ोर है। इसके बाद अर्चना ने, लड़की ने, विवाह करने से मना कर दिया, और जो दहेज में दिया गया नकद और जो मोटरसाइकिल थी उसको वापस करने की मांग की है। खबर जो छपी उसमें यह भी था कि लड़के पक्ष ने कुछ भी देने से मना कर दिया, जिसके बाद जो है इस मामले में कोतवाली औरैया में केस दर्ज कराया गया है। मैं ये सोच रहा था कि बाबा इस बहाने शादी के दिन टूटना किन किन वजहों पर होता रहा है, हमने आसपास देखा है, उस पर बात करें। और ये जो बिचौलियों के जरिए मैसेज भिजवाए जाते हैं ना शादी के दौरान कि अरे जरा उनसे तनिक ये तो कहें कि पगड़ी सीधी कर लें, तो इस पे थोड़ी बात की जाए। उन चरित्रों को एक बहुत अच्छा नाम साजन चले ससुराल फिल्म में सदाशिव अमराव पुरकर के चरित्र के माध्यम से दिया गया था, शादी राम घर जोड़ा। वो मुझे इतना पसंद है, फेवरेट फिल्म है वो। नहीं, फिल्म फेवरेट नहीं है, लेकिन ये नाम मुझे बहुत पसंद है। ये एकदम एप्ट है, बिल्कुल, मतलब हाँ, कि वो घर जोड़ने का काम भी और उपनाम भी दोनों बहुत। हाँ, तो बिचौलियों का, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच इतना संवाद हुआ नहीं होता है, और एक व्यक्ति है जो दोनों परिवारों को जानता है, और दोनों परिवारों के बीच में जो बातचीत हुई भी है उसमें औपचारिकताएं बहुत होती हैं। तो एक जबरदस्ती की फॉर्मेलिटी का लबादा होता है। तो अब कैसे कहें कि भैया ये ठीक नहीं हो रहा है ना, तो वो बिचौलिए को इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जाके धीरे से समधी जी का हाथ पकड़ के और धीरे से उनको समझा देगा कि ऐसा है, रसमलाई को लेकर थोड़ा सा आपको शिकायत आ सकती है क्योंकि दूध असल में थोड़ा सा लग गया था, तो एक जरैनी गंध आ रही है, आप माफ कर देंगे, आपके भी घर में बेटियां हैं, शादी में इस तरह से हो जाता है ऊंच नीच, थोड़ा समझेंगे, अभी मिष्ठान की व्यवस्था कहाँ से हो पाएगी। कहे कोनो बात नहीं, नाक तो हमार कटाइन धियो है, जौन तुम्हारा ब्याह हो रहा है, द्वार चार बताओ, 12 छह माला लग के पूरी बारात का स्वागत हुई गवा। अरे कम से कम 20-25 तो होनी चाहिए थी, हमारे दमादे रह गए 2 माला के बिना। कह रहे अब जाने दीजिए, बहू से आपको मतलब है, क्या मतलब है, बाकी ये लोग क्या करते हैं। ये पूरे आर्ग्यूमेंट आपने एकदम सजीव वर्णन हो गया। हाँ, क्योंकि मैं खुद भी कई शादियों में शादी राम गरजोला वाली स्थिति में भी रहा हूँ, यह उनका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा हूँ। और एक बीमारी ये मुझे है कि मैं जिस भी समारोह में पहुंचता हूँ मैं बिना दिए हुए भी जिम्मेदारी ले लेता हूं। मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पे सब चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए। इसलिए आप अगर मेरे मित्रों से पूछेंगे तो अपने जीवन में 90% शादियों में मैंने खाना तंदूर के पास बैठ के खाया है, क्योंकि कुकिंग का जो इंटरेस्ट है तो उसमें क्या होता है कि अच्छा ये बन रहा है, ये निकाल दो, ये तैयार कर दो, वो कर दो, ये इसमें गड़बड़ हो रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी और डालो, चावल चिपचिपा हो जाएगा, रसमलाई खुली हुई क्यों रखी है ना, दूध पे मक्खी बैठ रही हैं, इसको अखबार लगाओ। ये बाबा जैसे मेरे चाचा भी है एक, वो भी मतलब हाँ, जाते ही ना उस विभाग में सेट हो जाते एकदम। हाँ, तो हमारा तय है किसी, चाहे लड़के पक्ष की तरफ से हो चाहे लड़की पक्ष की तरफ से, थोड़ा ठीक दिख नहीं रहा, हाँ आएगा कि नहीं, हाँ अभी भुना नहीं है यार, अभी मत डालो इसमें माल, अभी भुना नहीं है अच्छे से, थोड़ा और भुनो इसको, है ना, चलाते रहो इसको, चलाते रहो, जीरा खोला पड़ा है, देखो भाई सब बिखर जाए, है ना, कुकुर ना आवे पाए, है ना, इस तरह से। तो मतलब, और मैंने अपने गुरुजी थे हमारे उदय भान शुक्ला, उनकी बिटिया की शादी में मैंने प्लेट तक धोई है, क्योंकि बैरा प्लेट नहीं धो पा रहा था, प्लेट खत्म हो गई थी, नाक ना कट जाए, बारात खाना खा रही है, तो प्लेट तक मैंने धोने का काम किया है कि प्लेट धो करके और उनको पोंछ करके और फिर मैं इतनी पूरी टाल ले करके और वहां पे रख के आया हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे काम देखे, इस वजह से ये कहानियां मुझे पता है। बिचौलियों की भूमिका जब परीक्षा होती है ना, जब पहली बार बर के घर पे लड़की वाले आते हैं सबसे मिलने के लिए, और वहीं से शादी एक तरह से फाइनल होती है। अब ये एंगेजमेंट वगैरह का सब ये ड्रामा शुरू हो गया है। हम लोगों के यहाँ कहीं पे भी एंगेजमेंट का कोई हिसाब नहीं था, बहुत ही पश्चिमी कॉन्सेप्ट है, सिनेमा से अब घरों में घुस आया है। पहले बरिच्छा होती थी और बरिच्छा के तो उसको बरतोहारी, हाँ बरतोहारी, और बरिच्छा में ही दरअसल होता क्या है कि लड़के के घर परिवार खानदान के लार्जर कैनवास को देख लिया जाता है, उसका घर देखा जाता है, वही एक मौका होता है जब लोग घर देखते हैं, क्योंकि तिलक चढ़ने के बाद शादी नहीं टूटती है, बहुत रेयरली होता है कि तिलक के बाद में शादी टूटे। तो परीक्षा में एक तरह से टेस्टिंग हो जाती है कि कैसे घर के लोग हैं, किस तरह की। तो उस तरह से हम लोग के यहाँ, तो हम लोग को याद है कि मखाने तले जा रहे हैं, काजू कतली सीख लगा के तैयार की जा रही हैं, आम के टोकरे तैयार किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से गिफ्ट आते थे, और लड़की वाले इस चीज़ की चर्चा करते थे परीक्षा से लौट करके कि भैया उनके यहाँ तो 150 मनैन के मिलनी देख पड़ा, मिलाई, हाँ मिलाई देनी पड़ी, क्योंकि वो होता क्या है कि वो सब पट्टीदार वगैरह सबको इकट्ठा कर लेंगे वहां पे, ये दिखाने के लिए कि कितना बड़ा कुनबा है, है ना, छुच्छी गगरी में तुम बिटिया अपने डाल के जा रहे हो, ये खाता पीता घर है। तो वो बरिच्छा से कहानी शुरू होती है और उसके बाद में फिर लड़की का नेक जाता है जिसको शादी से पहले गोद भराई कहते हैं, और उसमें लड़की की दरअसल शादी जा रही होती है जो वो शादी में पहन के बैठती है। तो गोद भराइया होती है जिसमें कि श्रीफल जाता है, मतलब कि नारियल सूखा, और ये अगर कुछ गहना गोरिया थोड़ा बहुत उसके साथ देना है तो वो जाएगा। लोग प्ले सेफ मोड में रहने के लिए बहुत माल नहीं देते हैं गोद भराई तक। तिलक के बाद एक्चुअल एक्सचेंज शुरू होता है, जब लड़की की तरफ से थाल आ जाता है तब फिर लड़की का गहना वगैरह वर पक्ष की तरफ से जाता है। तो ये सारे होता है और ये बिचौलिए जो है इन सारी के सारे जो कस्टम्स हैं और इवेंट्स हैं शादी के इर्द गिर्द, इन सारे के सारे मामलों में वो मौजूद रहते हैं। और कई बार तो शादी के बाद जब टकराव होता है तब भी बिचौलिए को ही पकड़ा जाता है सुलह कराने के लिए। पहले तो उसको भरपेट दोनों पक्ष के लोग गरियाते हैं, कौने घरे में तुम ब्याह करा दी हो, इस सारे हमें दुआरे बैठे लायक नहीं, तुम इनके यहाँ ब्याह कराए, तुम्हें कहे हम आए गए जान लियो, नहीं तो हम करित ना ही, तुम कहे तो हम कह दीना, अब देख लियो इनके लक्षण कौन तना के हैं, कौनो सहूर नहीं बिटिया के, न पढ़ाई में है न पकावे में है, कौनो गुण लक्षण ना ही भैया, 8-8 बजे तक सोती हैं, रात में 12 बजे तक टीवी देखती है ना। तो इस तरह की बातें शिकायतें होती है, लड़की वाले गरियाते हैं, लड़का पियत है, अरे बाप उनके कलेक्टर रहे साथ रहे हुए हैं, हम क्या करी, लड़का तो शराबी है, तुम पहले नहीं बतायो, शराबिन के घर में हमारे बेटिया गाय ऐसी बच्चिया हमारे बेह गए, है ना, तुमका बतावे कर रहा, यह गुल्लक्षण वाले घरे में तुम ब्याह करा दी हो। कुछ चीजें वैसे जानबूझ के थोड़ा छिपाई भी जाती, जैसे एक तो ये नजर वाली बात, और एक ये जो नजर जिनकी थोड़ी तिरछी होती है, हाँ वो अक्सर इस तरह की, हाँ उसको कई बार छिपाने की कोशिश होती है। लेकिन ये जो चश्मे वाली बात है ये थोड़ा मतलब जाती नहीं लगती, चश्मा लगाने वाले लोगों के साथ इस तरह का, मतलब ठीक है चश्मे के साथ तो आप देख ही सकते हैं, वो कोई इनकैपेसिटेट नहीं कर रहा है आपको डेली लाइफ में। हाँ लेकिन उसमें यह है कि झूठ बोला गया हो तो वो शायद ज्यादा बुरा लग सकता है। बिल्कुल। तो लेकिन इस पूरी कथा में जो आपने सुनाई, मुझे दुख होता है कि आंख के विकार के चक्कर में उस वर्ग के साथ में ऐसा हुआ, क्योंकि रंग सांवला है या आंख में कोई खराबी है या एक पैर खराब है ना, या वो कोई और हैबिट है जिसको लेकर के वो इस तरह से होना नहीं चाहिए। मतलब इसके बेसिस पे विटो कर देना, शादी के बाद लड़की को ही कोई तकलीफ हो जाए 2-3 साल बाद, या लड़के को ही कोई विकार तब आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा, शादी को रिवर्स कर दीजिएगा, अंडू का तो बटन होता नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि वो उपयुक्त नहीं है, अनलेस एंटिल कोई चीज़ बहुत डिलिबरेटली छुपाई गई हो, जैसे लड़के की ऑलरेडी शादी हो रखी है, या लड़के के बारे में जो बताया गया है उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसके कामकाज, उन सब चीज़ों को लेकर के। मुझे एक शादी याद है जो हमने अपने इलाके में सुनी थी, जिसमें लड़के को एक बूढ़ी काकी ने सवेरे ब्याह पूरा होने के बाद में जब कलेवा होता है तो उस वक्त बर को सब महिलाएं और सब लोग कुछ ना कुछ देते हैं। तो एक काकी आई और उन्होंने 5 रुपए का नोट अपने आंचल में जो गांठ बंधी हुई थी उससे खोल करके उसको दिया। तो उसने कहा कि यह क्या दे रही हो, ऐसे ले करके उसको ऐसे फेंक दिया। तो जो लड़की का भाई था उसने देखा कि ये गांव की हमारी सबसे पुरानी काकी और इनका दिया हुआ 5 रुपए बेचारी वो कहाँ से पाई होंगी, कैसे कैसे किसी से मांग के लाई होंगी 4 घरों में मनहार करके। तो उन्होंने वो 5 रुपए का नेक दिया और इस बात पे वो लड़का भिड़ गया और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि पूरी बारात वहाँ नज़रबंद हो गई और खूब विधिवत कूटे गए दुल्हा सहित बारात के सारे लोग। वो लोग गदगद थे जो रात के खाने के बाद 1-2 जीपों में कमांडर में भर के चले आए थे कि अरे हम बच गए। लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे ये पता नहीं क्या भीतर की भावना है, कभी ऐसी खबर हम सुनते हैं कि बारात पिटी है बुरा नहीं लगता है, बहुत मजा आता है गुरु क्योंकि बारात वाले इतनी नंगाई करते हैं ना, बहुत नक्काशी करते हैं। वो पंचायत की जो बारात है ना, वो हमारे यहाँ की बारातों की सच्चाई है, तो वो है दरअसल कोटने लायक। और लोग ऐसे होते नहीं है, लेकिन बारात में हो जाते हैं, है ना। अजीब से नक्शेबाजी हो जाती है। बारात का हर आदमी जो है ना अपने आप को दूल्हे का बाप समझ रहा होता है। आपने कितनी खबरें पढ़ी होंगी कि बारातियों से भरी जीप पलटी या बारातियों की बस पलट गई। उसका कारण भी यही होता है, उस समय के लिए सब आदमी पागल हो जाते हैं, उनको पता लगता है पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि वो ड्राइवर भी जो जीप चला रहा है ना, वो भी ऐसे आए हो तुम किराए पे, साले टैक्सी चला रहे हो, लेकिन वो भी अपने आप को चौड़े में एकदम कंधे पे ऐसे गमछा रख के टिका होके जनवासे में उतरता है ना, गोलगप्पा वाले के पास जाता है, ये लगाओ और निंदा जो है ना, वहां पे वो चीज होती है कि मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है। कोई आदमी कह रहा है खाना अच्छा नहीं, तो है बोला व्यवस्था अच्छी नहीं थी, बिस्तर अच्छा नहीं है, नहीं अरे वो आदमी अपना खून गार के कुछ पका दे उनके लिए, तो उसमें कहेंगे अरे ऐसा है भाई साहब की फ्रूट चाट तो दुबे जी के यहाँ जो खाई थी ना वो बेस्ट थी, आप समझ लें। वैसी फ्रूट चाट जो है दूसरी हम खाए थे गुरु, एकदम फ्रेश और समझ लीजिए क्रीम व्रीम डाल के इतना दिव्य बनाया था। ये बनाया है हम मक्खी वक्खी बैठा हुआ लगता है, तरबूज को देखिए कैसे झुराया हुआ सा है। तो अब केवल आलोचना करने के लिए आलोचना हो रही है ना, निंदा करो कार्यक्रम है वो। हाँ, और केवल यही नहीं, बेचारे वेटरों के ऊपर भी ऐसे ही लोग बरतते हैं जैसे ये सब लड़की के भाई हों। ए पानी लेके पीछे आओ, ठंडा पानी लेके आना, तो है ना बाबा। पहले तो गांव के लड़के, पहले गांव के लड़के होते थे, तो गांव के लड़के पहले जाता था, लाल शर्ट इधर वो बहुत ही काफी रैगिंग, वो तो बहुत नंगाई होती थी बिल्कुल। कोई शरबत लेके आता था गांव में तो जग पूरा का पूरा जग फेंक देते थे कि क्या ये मुंह ऐसा शरबत ले आए हो, न मीठा है इसमें, न रुआवजा पता चल रहा है, न मिसराम्बू पता चल रहा है, लाए क्या, आपको बढ़िया बना के लेके आइए। ऐसे स्वागत करते हैं आपके गांव में, ना गांव की नाक कटा दिया आप लोग। और इतना पतला है पानी, इतना डाल दिया। हाँ हाँ, इतना पतला एकदम फीका, कोई स्वाद ही नहीं है। अरे स्वागत तो कायदे से कीजिए भाई साहब, आपके यहाँ बारात आई है ना, तो वो कहेगा अरे हम थोड़ा हो बनाए ना, अरे है तो आपके गाँव की शादी। उसको एकदम हाँ कैसा रियलाइज कराएंगे कि ये जवान की बेइज्जती हो गई है। सही। तो इस तरह के चरित्र बहुत हैं, लेकिन इस लड़के के साथ अच्छा नहीं हुआ कुल मिला के, मोटी बात ये है। बिल्कुल, बाबा तो चश्मा लगाते भी नहीं है, मैं और ताऊ लगाते हैं। नहीं हम लगाते हैं, कब लगाते हैं, सिर्फ पढ़ते वक्त लगाते हैं। ठीक है, अब चिट्ठी ले लेते हैं न्योता वाले श्रोता में। आज की चिट्ठी रोहित ओझा की आई है, जिन्होंने बिहार के बक्सर से लिखा है कि आखिरकार आज लिख ही दिया। करीब 35 एपिसोड हो गए हैं तीन ताल के, पहले से ही सुन रहा हूँ, अब तो 38 हो गए हैं। रोहित जी, ये चिट्ठी थोड़ी पहले की आई हुई है, उनकी 3 एपिसोड पहले की चिट्ठी है। तो आगे वो लिखते हैं कि तीन ताल की बदकही को सुनना झीसी की तरह है। झीसी के ब्रैकेट में उन्होंने हल्की बारिश लिखा है। अच्छा किया आपने उनकी चिट्ठी को शामिल कर दिया, क्योंकि मैं अपनी चेतना में रेडियो सुनते हुए ही बड़ा हुआ हूँ। घर में टीवी बहुत बाद में आया और उसमें अधिकतर पत्र शिकायती होते थे कि पिछले 3 महीने से मेरा पत्र आपने जवानों के लिए कार्यक्रम में शामिल नहीं किया है, और मेरी ये फरमाइश थी कि आप ये गाना सुनवाएं, ये गाना भी आपने नहीं सुनवाया है। तो फिर उधर से जवाब होता था, और मैंने ये खुद अचला शर्मा के साथ में बैठ के बीबीसी में भी किया है कि इस तरह से इसको कैसे बरतना है। तो उसमें हम लोग कहते थे आप तो हमारे लगातार नियमित श्रोता हैं और आप लगातार पत्र लिखते रहे हैं, कार्यक्रमों के बारे में बताते रहे हैं। अरे उज्जवल भाई, सब पत्र आपके ही होंगे तो बाकियों के पत्र कब पढ़े जाएंगे, तो इसलिए बाकियों को भी समय देना है। आपका पत्र हमने खूब पढ़ा और आज हम उसको कार्यक्रम में शामिल भी कर रहे हैं। तो ओझा जी से हमको ये कहना था। तो वैसे हमारे लिसनर थोड़े अलग है, हमें तो अर्पणा जी ने 3-4 बार चिट्ठी लिखी, उनकी एक चिट्ठी हमने लिखी थी, उसके बाद उन्होंने संवाद उसी संवाद थ्रेड में और चिट्ठियां लिखी, और हर बार वो नीचे लिखी कि इसको कार्यक्रम में शामिल करना जरूरी नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं सिर्फ संवाद कर रही हूँ। तो लेकिन रोहित ने ये 35 एपिसोड सुनने के बाद चिट्ठी लिखी थी, और वो लिखते हैं कि तीन ताल की बदकही को सुनना झींसी की तरह है जिसमें हम भीगते हुए अपना काम निपटा सकते हैं। मुझे भी आज पता चला कि झींसी का मतलब हल्की बारिश होता है, उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है। वैसे ही जैसे मम्मी छत पर गोईठा को फुर्ती से तिरपाल से तोपती हैं। बाबा की बदकही जिस तरह हाईवे से गांव के कच्चे रास्तों से होते हुए खेतों के डड़ार पर पहुंचती है। ये डड़ार शब्द पहली बार सुना मैंने, कितनी सुंदर ध्वनि है इसकी, खेतों का डड़ार। हाँ, मेड़ की। हाँ, तो उसे सुनकर दिल इस तरह से लबालब भर जाता है जैसे बाढ़ में गांव का पोखर गंगा की धार से भर जाता है। बाबा, हाँ, बहुत बहुत सुंदर बिंब है। बाबा ने एक एपिसोड में लूडो फिल्म को किसान आंदोलन से जोड़कर जबरदस्त व्याख्या की थी। पेड़ से गिरे लंगड़ा आम को लूटने में जो आनंद था वही ताऊ की तुकबंदी में आता है। बाकी बैठ की जबर है, सरदार तो सरदार हये हैं, मिठास इनकी आवाज में इतनी है मानो बनारस के लौंग लत्ता का पूरा रस गटक लिए हैं। आए हाय, आए हाय, आए हाय, कहाँ मिलता ही नहीं है महाराज लौंग लत्ता। मैं तो असली खीर मोहन खोज रहा हूँ। दिल्ली में एक बार ताऊ ने शेर के मुंह में खून लगवाया था। उसके बाद सुंदरकांड में एक लाइन है जिसमें हनुमान लंका पहुंच चुके हैं और वो कह रहे हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, है ना। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ तो कोई सज्जन कहाँ मिलेगा, और तब उनकी विभीषण से मुलाकात होती है। तो आप जो खीर कदम या ये जो आप मिठाई भी बता रहे थे, खीर मोहन और लौंग लत्ता, ये सब जो आप दिल्ली में खोजना चाह रहे हैं ना, तो वहां से मुझे याद आया कि यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। तो आगे उन्होंने लिखा है कि ऐसे ही गर्दा मचाते रहिए, बाकी एगो और बात कह देत बानी। आगे उन्होंने भोजपुरी में लिखा है, मुझे भोजपुरी आती नहीं है तो मैं पढ़कर बोल रहा हूँ, कहीं उच्चारण दोष हो तो माफ करिएगा। तनी कहियो गांव के शहरीकरण पर चर्चा हो जाइत त मजा आइत, काहे कि अब गांव से खाटी माची गगरी मटका हरिश जुआठ इनार सब गायबे हो गईल बा। गंगा जी वाला अब पीपा पुलवा भी नईखे बंधात, तो कहियो चर्चा हो जाए। अब पक्का पुल बन गल भैया, मिर्जापुर बाईपास के लिए एकदम चौचक, है ना, 4 लेन बनल हो। हाँ। तो पीपा पुल के रायता ओहरे में खत्म हो गए। तो पीपा पुल से ढेर हम मोटरसाइकिल चलाए रामनगर गैले बानी। बढ़िया सब्जेक्ट सुझाया इन्होंने। हाँ। और इन्होंने ये भी आगे ये भी लिखा है, तो कहियो चर्चा हो जाए महुआ और ओकर इस्तेमाल पर भी। बाकी बाबा बनारस के करीबे हैं, हम बक्सर बिहार से हैं और इन दिनों गांव में हैं, इसलिए जामुन का आनंद तो हये है, साथ ही चौसा और लंगड़ा भी हपच के खींच रहे हैं। पानी बरसने लगा है और पियर का बेंग टरटराने लगा है। कोरोना की वजह से गांव में हूँ, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है, उम्मीद है कभी मुलाकात होगी तो बक्सर की पापड़ी खिलाऊंगा। वाह वाह वाह, बक्सर बिहार, बनारस के एनसीआर। हाँ। लेकिन लौंग लता गुरु आप याद दिला दिए हैं, और एकदम मतलब अभी जीव जो है ना पूरी तरह से बनारस चला गया है। और लौंग लता एक अकेला मीठा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया है, लेकिन मुझे परम प्रिय है, क्योंकि शाम को रविदास गेट पे लंका में BHU के सामने पहलवान के यहाँ लौंग लता बनता है। और उसके यहाँ लौंग लता में क्या होता है कि अंदर मावे की स्टफिंग होती है, फिर उसको डीप फ्राई करते हैं और फिर उसका उसको चाशनी में बोर के देते हैं। तो वो चाशनी में जैसे ही जाता तो हम लोग एकदम शाम को राइट टाइम पहुंच जाते थे। तो गरम गरम लौंग लता खा करके अंदर बाहर से तो लौंग लता खाने लायक हो जाता था, लेकिन मावा अंदर एकदम मेल्टिंग पॉइंट पे होता था और लगता था कि मुंह में कोई ज्वालामुखी फूट गया है। और ऊपर और नीचे तालू के तमाम सारी खाल ऐसे लटक जाती थी जैसे पुराने खंडहरों में जाले मकड़ियों के लटके होते हैं। तो इस तरह से विदीर्ण हो जाता था मुझे। तो लौंग लता के साथ में बहुत ही कुरूप प्रेयसी वाली स्थिति रही है। प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। तो लेकिन आपने जो विषय कहा है उसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके, और बिल्कुल हम अगली बार उसको आगे करेंगे में शामिल रख सकते हैं कि गांव से गांव कैसे गायब हुआ है। शहर को तो गोली मारी है, शहर की तो बात करने लायक जगह नहीं, लेकिन गांव में गांव कैसे मराए गल मर्दे, एकरा ऊपर हम सब बतियाइब। जिला बक्सर बा काहे के डर बा। हाँ। सही है। मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। क्या बात। अगले हफ्ते जरूर जो विषय आपने सुझाया है उस पर कोशिश करेंगे। शेर व अदब से आज की शुरुआत हुई और शेर व अदब से खत्म हो रहा है। चलिए, तो इस हफ्ते तीन ताल में इतना ही। और आप तीन ताल अगर सुनते हैं तो चुपचाप सुनते ही मत रहिए, हमें बताइए कि आप हम में से एक हैं। एक ईमेल लिख डालिए जैसे रोहित ओझा ने हमें लिखा, radio@aajtak.com पर। तो जो बकैती हमने छानी उसमें आप क्या जोड़ना चाहते हैं, जो हमसे छूट गया हो किसी भी टॉपिक पे जिन पे हमने बात की, कोई किस्सा आपके पास हो नींद का, चोरी का, तो वो लिख भेजिए। और वरना यही बताइए कि और किस किस टॉपिक पर आप हम तीनों की बात कहीं सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। और कुछ आप बताना चाहते हैं तो हमारा कार्यक्रम नहीं भी पसंद हो तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप श्रोताओं को बता सकते हैं। तो मुझसे खफा है तो जमाने के लिए सुनत रहा, लिखत रहा। और जैसा नोएडा का मेरा एक पुराना स्कूल का दोस्त कहता है, मौज लेओ रोज लेओ, ना मिले तो खोज लेओ। शांति और आनंद सब में बढ़िया चीज है, नेक्स्ट ही बात में लठ मार दो बाम फायदा खोए। और जो लोग केवल सुन रहे हैं उनको मैं गीता के 3 अध्याय का एक श्लोक बताना चाहता हूँ। श्री हरि अर्जुन को समझा रहे हैं कि भुंजते ते तुधम पापः यन् पचान्त आत्म कारणात्। जो पका के खुद ही खाएं वो दरअसल आहार नहीं, पाप को ही आहार रूप में ग्रहण कर रहे होते हैं। तो आप जब तीन ताल सुनते हैं और हम लोग 2 घंटे बकैती करके आपकी खोपड़ी खाते हैं, तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप इसे दूसरों को भी सुनवाएं। तो केवल सुने नहीं, सुनाएं भी, लोगों को सुनवाएं भी। और श्रवण कृते एतद् धन वर्धयन्ते ये दूसरा श्लोक है ना, कि व्ययं कृते एतद् धन वर्धयन्ते विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम, है ना। ये व्हाट्सएप मैसेजेस आते थे ना, तो आग की तरह फैला दो कहने का शास्त्रीय तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वायरल कर दो गुरु। ठीक है भैया, सुनते रहिए आज तक रेडियो, बहुत टॉप को चैनल है, तुम भी सुनो। सारा जहां सुन रहा हो, जय हो जय हो जय हो जय हो। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।